आई बोलना चाहती हूँ बिकॉज आई एम रियली रियली इट्स वेरी हार्टनिंग टू सी कि आप लोग सब अपना कीमती सैटरडे यहाँ बिता रहे हैं और कैसे कहीं से तो आए होंगे, एक घंटा पहले लगा होगा आने में और इधर हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा लोग हैं जितना कि दिल्ली के इलेक्शन टर्नआउट में है. तो आई एम जस्ट फीलिंग मुझे शायद आपके लिए खड़ा होना चाहिए था. बट दिस इज़ रियली हार्टनिंग कि आपने ये किया और यहाँ आए. मुझे ऐसा लगता है मतलब खुशी हो रही है देख के कि इतने लोग मतलब मेरे बारे में इतना भी जानते हैं कि मेरे टॉक पे आए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है. इट फील्स लाइक आई एम सडनली हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एटलीस्ट 100 people or 50 people इन दिस रूम. आपका सवाल है कि मेरे को कैसे पता चला और क्या लगा और कब लगा, तो इसमें मैं थोड़ा आई थिंक क्लीशेड ही आंसर देने वाली हूँ कि हाँ, वो जैसा होता है कि राइटर्स को बचपन में ही पता चल जाता है कि वो कुछ थोड़े हाइपर सेंसिटिव टाइप बच्चे हैं जो कोने में रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते मगर ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं, उन्हें ज़्यादा रोना आता है, ज़्यादा हंसी आती है, ज़्यादा गुस्सा आता है. सो आई थिंक वो उस तरीके का एक स्टीरियोटाइप में थी और जिसकी वजह से द बेस्ट आई थिंक द नाउ आई एम गोइंग टू टर्न 40 दिस ईयर सम टाइम एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट टर्निंग 40 इज़ कि अब मुझे ऐसा पहली बार ऐसा लगने लगा कि कितना अच्छा हुआ मेरा चाइल्डहुड डिसफंक्शनल था. तो एक्चुअली बिकॉज इट वॉज लाइक अ रियली अमेजिंग यू नो, मेरा ड्रामा स्कूल तो मेरा चाइल्डहुड ही था, तो उसके अंदर मैंने इतना सीख लिया कि जब लोग कैरेक्टर वगैरह की बात करते तो आई सेड मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे वो पता है आग. मुझे बस ये बताओ कहानी क्या है. सो आई लिटरली कम विद सम काइंड ऑफ लाइक आई थिंक ट्रेनिंग बचपन में ही हुई थी बिकॉज आई हैड डिसफंक्शनल चाइल्डहुड. आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स हैड डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद ईच अदर. अराउंड दैट टाइम आई थिंक आई टुक टू बुक्स. आई वॉज अ क्वाइट चाइल्ड. आई यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ माई टाइम जस्ट रीडिंग. And obviously around that time, I think the larger dominant emotion that I remember, जो मुझे मैं हिंदी में बोलूँगी, मुझे जो जो ऐसे एक 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 तरीके का एक भाव होता है, एक रस होता है हर किसी का जो उनको रहता है कि इस चीज़ की वजह से आप ये आपका यू नो कैटलिस्ट बन गया. तो मेरी जो वो फिटकरी थी वो शायद गुस्सा थी और वो अनएक्सप्रेस्ड गुस्सा था क्योंकि मैं बहुत इनजस्टिस बहुत क्लोज से देख रही थी और मैं इस हालात में थी क्योंकि मैं बच्ची थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी. उसका एक ये माइक्रो लेवल पे हो रहा था और मैक्रो लेवल पे इस तरीके से चीज़ें खुल रही थी कि मैं दिल्ली की लड़की हूँ और एक मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास की रेंज में जो एक समाज होता है उस वहाँ से आई हूँ. तो वो गुस्सा जब मैं मैक्रो जैसे जैसे बड़ी होने लगी और अपनी दुनिया खुद नेविगेट करने लगी तो लगा कि यार जो मेरे घर में हो रहा था इससे कहीं ज़्यादा और बहुत ही हाइटेंड तरीके से और मल्टीप्लाइड तरीके से इस घर के बाहर हो रहा है. तो अब इसको डील कैसे करें क्योंकि पहला मेरा एज अ यंग इंडिविजुअल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई सेल्फ इज सर्वाइवल बिकॉज आई एम अ वुमन. सो मेरी जेंडर आइडेंटिटी और मेरा गुस्सा ये दो तीन चीज़ें हैं जो एक्चुअली फॉर्म द बेसिस ऑफ माई यू नो अवेयरनेस. एंड इसकी वजह से मैं कुछ भी बन सकती थी. मैं एक आईएएस ऑफिसर बन सकती थी, मैं लॉयर बन सकती थी, ज़रूरी नहीं है कि मुझे यही बनना था. बट शायद वो फूट फूट के एक निकला इन राइटिंग और वो कैसे हुआ प्रोसेस मुझे नहीं पता. वो मतलब वो कुछ 8 से 12 की उम्र थी जब और कुछ नहीं था साथ में, सिर्फ एक जर्नल था और उसमें हम लिखते थे क्योंकि उसमें लिखना पड़ता था रात को वरना नींद नहीं आती थी. So I think that's how I became a writer because I was angry. That's what I distinctly recall. मैं लेखक इसलिए बनी क्योंकि मुझे बचपन में बहुत गुस्सा था, बहुत इनजस्टिस मैंने बहुत पास से देखी थी. सो कई बार हम मतलब इतना कंपैशनेट वर्ल्ड हम करना चाहते हैं और आजकल इंटरनेट और फेसबुक और इंस्टा पे तो मतलब दिल इतने भर भर के आपको ऑफर किए जाते हैं और एवरीबडी इज़ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट वायलेंटली इन ब्रैकेट फोर्सिंग यू टू बी मोर कंपैशनेट एंड मोर पीसफुल एंड पॉजिटिव. बट आई मीन व्हेन यू लुक एट द इमोशंस लाइक एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड दिस होल फायर अबाउट द इनजस्टिस they have their values and I have like
I know that you will cringe when I say this, but again, I'm reminded of Dr. Ambedkar, because Dr. Ambedkar was one of the people who, for the first time when I read, he had said very, very clearly, when one of his quotes said that, okay, it is that anger within me which is making me what it is. So I think instead of kind of shutting things off and then turning into something very, very pinkish and very reddish, a love mark, I think we have to identify and work off it. This is a beautiful answer, Atika. But which of your favorite writers or poets, or what kind of comics would you read? Comics or poets? So actually, as a child, I almost read anything I could get my hands on. मतलब पैसे कम थे तो वो जिसके भी मांग के जो भी मिल जाती थी, हार्डी बॉयज थे, नैन्सी ड्रू थी, लाइब्रेरी में जो भी किताब थी, बहुत बचपन की मेरे फादर के पास बहुत सारी जेम्स हैडली चीज थी और वो मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ ली थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गई थी बहुत जल्दी. सो आई रिमेंबर कि पढ़नी नहीं थी मुझे, अलाउड नहीं था, वो किताबें छुपा के रखी गई थी, बट क्योंकि और कुछ था नहीं पढ़ने के लिए तो फिर वो न्यूज़पेपर उसके ऊपर आगे पीछे लगा के मैंने पढ़ ली थी स्कूल ले जाके. सो आई थिंक वो उस तरह दे आर वंडरफुल स्क्रीन प्लेस इन दे आर वंडरफुल स्क्रीन प्ले. सो या सो बहुत बचपन में कुछ 12 से 14 15 साल की उम्र में आई थिंक जो भी घर में किताब मिलती थी कहीं से भी मिलती थी, फिर स्कूल में ऑब्वियसली काफ़ी मिलती थी लाइब्रेरी से. आई रिमेंबर अब इस समय इस उम्र में जाके जब मैं यूनिवर्सिटी गई तब मुझे पता चला कि अरे you know I'm supposed to critique Ayn Rand, but jab bachpan mein Ayn Rand padha tha I was a huge fan because it was so visual and it was it made me startlingly alive and the power of her words was so impactful. So Ayn Rand, Fountainhead was one of those novels jo ek bahut strong influence tha as a 14 year old. Maxim Gorky ki kitab hai Mother, जो मेरी ग्रैंड मदर की किताब थी वो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली मैंने चूज़ नहीं किया, किताबों ने मुझे चूज़ किया था. इट वॉज बाई एक्सीडेंट दैट दीज बुक्स बिकेम माई फेवरेट बुक्स. एज आई ग्रू ओल्डर आई वेंट टू द यूनिवर्सिटी, आई वाज स्टडिंग लिटरेचर, ऑब्वियसली आई वाज एक्सपोज्ड टू इंग्लिश लिटरेचर. यस. सो उसके बाद तो आँख खुल गया और उसके बाद एक ऐसी दुनिया खुल गई जहाँ हम मतलब उसके बाद एक टूल मिल गया बेसिकली ज़िंदगी को समझने का, दुनिया को समझने का, एनालाइज करने का. 5 साल यूनिवर्सिटी में थी मैं, DU में मैंने रामजस से अंडरग्रेड किया है और हिंदू कॉलेज से मास्टर्स किया है लिटरेचर के अंदर. तो उस वो 5 साल आई थिंक मेरे ज़िंदगी में बाकी बहुत कुछ पर्सनली ट्यूमल्टस चीज़ें होती रहीं, मगर आई थिंक मेरा एक फाउंडेशन बना टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड टू और क्योंकि अगर बाकी सब चीज़ें खराब हो रही हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हैं तो एटलीस्ट ज़िंदगी को समझने के लिए एक बेसिक लाइफ टूल्स मिले आई थिंक लिटरेचर से. सो किताबें मुझे ऐसा लगता है कि किताब ये बहुत एक बस एक क्योंकि आपने सवाल पूछा और क्या इन्फ्लुएंसेस थे तो मैं बस ये कहूँगी कि आई कांट रियली से कि अब ये एक ऐसा इन्फ्लुएंस है या ये एक वैसा इन्फ्लुएंस है, बट मैं बस ये कहूँगी कि किताब पढ़ना अपने आप में एक बहुत ही मेडिटेटिव एक्सरसाइज है, सबको करनी चाहिए. और हम पहुँच अगर आप वहाँ मुझे लगता है मुझसे कहीं बेहतरीन रीडर्स होंगे इस रूम के अंदर, मैं बेहतरीन रीडर में अपने आप को मानना चाहूँगी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द आर्ट एंड द आर्टिस्ट एंड यू कैन सी इट व्हेन यू रीड अ नॉवल और अ बुक, बिकॉज आई थिंक उसके अंदर जो ट्रूथ डिस्टिल हुआ होता है वो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी से हुआ होता है जो उस राइटर के परे है. आई थिंक वी जस्ट बिकम व्हीकल्स एंड समटाइम्स व्हेन यू रीड द बुक you're not even you can't even say मैं इस राइटर की बड़ी फ़ैन हूँ honestly, because what you are a fan of is the distilled truth that came through that artist or that voice, because you will see that there is a wherever this art there are several there will be novelists from Russia, there will be novelists from America, there will be novelists from Ireland or India or you know Andaman, but there you will see that there is a uniformity or there is something very common when they distill or touch upon a human truth, and that never shakes. So to touch that, you have to read a book deeply. So, लेकिन फिर यहाँ पे फिल्में कहीं नहीं थी, टेलीविजन, because you became a filmer, you have not become a novelist anyway. So, where were films? So बचपन में ये था क्योंकि बचपन से बहुत सारी फिल्में देखी हैं मैंने और फिल्में और किताबें एक तरीके के सस्ते एस्केप के तरीके थे, तो वो ही दूरदर्शन, टीवी, फिल्में मतलब मैं बहुत ये सब था थोड़ा कि
बचपन में ही मतलब मेरी उम्र नहीं थी और मेरे को जब मेरे फादर सागर पिक्चर दिखा दे गए थे जब मैं 7 साल की थी, क्योंकि उन्होंने बोला तुम इतनी छोटी तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आएगा. तो जब वो सीन आया डिंपल के पड़िया का, जब वो बीच पे भागी मीना कपड़ों के, तो उन्होंने कहा अब ये सीन तुम मत देखो और इसके अलावा तुम बाकी देख लो. तो इस तरीके से हमने बचपन में वो सारी चीज़ें जो, क्योंकि ऐसा लगता था कि तुम इतनी छोटी हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा. तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ों का बहुत जल्दी जल्दी एक्सपोजर हो गया था. तो वो VCR पे हम लोग फिल्म देखते थे. हम लोग को कुछ 5 रुपए 10 रुपए के अंदर टेप आती थी. तो तेज, मुझे आई रिमेम्बर एज अ चाइल्ड मेरी सबसे फेवरेट फिल्म तेजाब थी. एंड आई थिंक आई हैव गॉन बैक एंड एग्जामिन्ड माई लव फॉर तेजाब, बिकॉज आई थिंक एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी फेवरेट फिल्म तेजाब थी, बिकॉज इट इज़ सच एन एप्ट फिल्म ऑन जेंडर, इट इज़ सच एन एप्ट फिल्म ऑन क्लास. There are lots of these I hope they are intentional truths, but that film captures so many truths about gender and class in that film, and no wonder it worked so well. It still works. Instead of having such huge love for writing, why did you choose journalism? It is almost like being Forrest Gump, you know, कि ज़माना बदलता गया और आपकी life बदलती गई, because you are not really deciding that. उसके बाद suddenly broadcast का ज़माना आ गया एंड सारे लोग आई रिमेंबर, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं क्यों अप्लाई कर रही हूँ CNN IBN में, मगर everybody was like, listen, broadcast is the future. And I was like, okay, if you are also going, I'll also go and apply. So इसी तरीके से मतलब हिंदू से CNN IBN पहुँच गए, because the salary was better. But obviously those were some decisions that I was taking on the basis of survival and basic skills. It wasn't so much कि मुझे बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना है. इनफैक्ट मैं कभी भी बहुत अच्छी जर्नलिस्ट बन ही उस समय तो नहीं बन सकती थी, बिकॉज मेरी रैंक बहुत छोटी थी और मेरा मुंह बहुत बड़ा था. तो लार्जली इट वुड ऑलवेज मीन कि बाहर जाओ. सो दैट वुड इंडिकेट कि आई न्यू दैट दिस वॉज एनी वे नॉट वट माई कॉलिंग वॉज. माई कॉलिंग वॉज फिक्शन राइटिंग, बस पता नहीं था कि कैसे कर सकते हैं. तो वो धीरे धीरे फिर नेविगेट करते करते पता चला कि FTII के अंदर एक कोर्स होता है यार स्क्रीन राइटिंग का. So, उसके लिए अप्लाई कर दिया. कुछ 26 साल की थी मैं एंड आई अप्लाइड फॉर द कोर्स, आई गॉट थ्रू. फिर वहाँ से ये शुरू हुआ कि अब ये कोर्स छोड़ेंगे नौकरी नहीं कर पाएंगे तो ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये फीस कहाँ से जाएगी. ये सो बेसिकली पैसे कहाँ से आएंगे ये सबका है, मतलब डोंट थिंक कि ये सिर्फ यहाँ वहाँ, दिस इज यूनिवर्सल. नहीं नहीं, मेरी लाइफ का तो पूरा आई थिंक, अगर जैसे वो बोलते हैं ना कि एक सिंगल परस्यूट क्या है इस कैरेक्टर का, एक आँख में क्या है कहानी, तो वो यही है कि पैसे कहाँ से आएंगे. मेरा कैरेक्टर का प्लॉट है कि पैसे कहाँ से आएंगे. तुम ये करना तो चाहती हो मगर पैसे नहीं है, तो अब ये होगा कैसे. तो ये तो लार्जली रहा ही है. सो दैट इनफैक्ट दैट हैज़ बीन द इनिशियली वन कुड हैव वोंट. मैं पहले बहुत सोची थी अरे मैं ऐसी क्यों मैं वैसी क्यों, बट आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली दैट स्ट्रगल दैट मेक्स यू टफ एंड दैट मेक्स यू एक्चुअली टेक वाइजर डिसीजंस एंड मेक्स यू यूज योर टाइम वाइजली. Makes you use your energy wisely because you know that your resources are always less. So I honestly don't think that any situation is bad. But coming back to FTII, like dreamy days, bad days, good days, passionate days, how were FTII days? बहुत अच्छे दिन थे. बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब दिमाग खुल रहा था, बिकॉज इट वॉज लाइक ये लिखना विखना कौन चाहता है, ये तो ऑलरेडी हम सब लिख चुके हैं ये लोग, ये मास्टर्स, ये अब हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे. सो वो अच्छा था, एक्सपोजर बहुत मिला वर्ल्ड सिनेमा से, दिमाग खुला. बहुत फेलिनी देखी, बहुत बर्गमैन देखी. MT में हमारी रोज़ शाम को 5:30 बजे स्क्रीनिंग होती थी. एक NFI है हमारे इंस्टीट्यूट के पास, नेशनल फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ पर स्क्रीनिंग्स होती थी. तो हम लोग जाते थे, मतलब इट वॉज लाइक पहली बार ही पता चला कि रिलीजन क्या होता है, क्योंकि सिनेमा रिलीजन बन गया, क्योंकि उससे पहले समझ नहीं आता था कि रिलीजन के लिए पीछे लोग क्यों पागल हैं. एंड उस तरीके की भक्ति क्या होती है किसी चीज़ की, वो पहली बार ही समझ आई. इस तरीके का पैशन रगों में दौड़ा कि देखनी है सारी की सारी तारकोवस्की, लाइक देखनी ही है, लाइक अगर नहीं देखो मतलब कुछ हो जाएगा मतलब. बट उस समय ऐसा था कि वो कुछ ऐसे साल थे, 3 साल जिंदगी के, कुछ 2006 से 2009-10 कि मतलब देखनी है. अगर मैंने सारी फिल्में नहीं देखी, मतलब मेरा ऐसा था कि एक बुक थी मेरे पास, एक किताब थी जिसमें मतलब कि मैंने इस फेस्टिवल में कितनी पिक्चर देखी, अगर मैंने 40 से कम देखी तो मतलब ये फेस्टिवल फेल था. तो एक टाइम था वो वैसा, उस तरीके की दीवानगी का, जो अब
अभी भी है, कभी कभी निकल के आ जाता है वैसा, मगर अब नहीं हो पाता उतना. बट हाँ वो था, तो उससे उन वो एक्सपोजर के दिन थे. आई थिंक इट वॉज वेरी नेसेसरी. मुझे लगता है कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कुछ कि हम बिल्कुल हम फिल्में देखते दिखते हैं बट हम फिल्में बिल्कुल नहीं देखते, हम बिल्कुल नहीं पढ़ते. मैं कुछ ऐसा कौन कहते, कुछ लोग कहते हैं कहते हैं, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिली हूँ कि हमने नहीं देखी थी, हम तो लिख देते हैं बस और व्हाटएवर. सो अगर ऐसा कहते हैं और बोलते हैं, मतलब मैं बस ये कहना चाहती हूँ हो सकता है वैसा होता है. मैं वो नहीं हूँ, मैंने बहुत सिनेमा देखा है और मैंने हर बार मैं देखती हूँ और मैं अपने आप को फिर अपनी सोच को तोड़ती हूँ. अगर मुझे कोई चीज़ से रेजिस्टेंस आ रही है, मुझे एक समझ आई आ क्या नहीं आई, मुझे उसका प्रेमिस समझ आया या नहीं आया, तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अच्छी दिमागी एक्सरसाइज है. और मुझे लगता है कि उस वो भी एक तरीके का, जब तक आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आपकी एटलीस्ट सिनेमैटिक स्किल्स कहीं तो आप एक मसल को आप मसल को यूज़ करें कि जब भी कुछ देखें. हाँ आई नो एक एक लेवल पे फिल्म को ऐसा देखना चाहिए ऑडियंस की तरह, बट एज अ स्टूडेंट एटलीस्ट मेरा वो था कि ये चलो आज लिखा नहीं, कम से कम पिक्चर तो तोड़ के देखें, ग्राफ में कम से कम इसका तो प्रेमिस बताएं, कम से कम इसमें तो कैरेक्टर की ग्राफ देखें, कम से कम ये तो किया आज. आज के दिन में क्या प्रोडक्टिविटी थी, तो मैंने फिल्म ध्यान से देखी, ये मेरा काम था. तो इस तरीके से ये कुछ वो वाले साल थे, स्ट्रगल के साल, एक्सपोजर के साल, ट्रेनिंग के साल. शुरू शुरू में नहीं समझ आता कि क्या सही है क्या गलत. यू सी कि आपके पीयर्स हैं जो आपके जितने आइडियलिस्टिक नहीं हैं और आपसे कहीं बेहतर कर रहे हैं, इन द सेंस दैट वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और वो आपसे बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो ही जा रहे हैं और लोग उन्हें ज़्यादा मान रहे हैं और वो ज़्यादा रिलायबल कहला जाते हैं आपसे, और आप नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके तो इतने बड़े बड़े आइडियल्स हैं, अब उनके भोज तले आप दबे हुए हैं. तो यू नो सो बेसिकली वो उस तरीके के मिसाल थे कि आप हर चीज़ पे अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या ये आइडियल्स होने ज़रूरी हैं. काश मेरे पास नहीं होते तो मैं भी इतने अच्छे कपड़े पहनती थी, काश मेरे पास. सो यू नो सो वो उस तरीके के भी साल थे कुछ, 2006 2011 2000 वो 4 साल 4-5 साल, मतलब इट्स अ पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन. अब मैंने पूना छोड़ा, पूना से फिर बॉम्बे वापस बॉम्बे आई. I think these were because in one of your in your interviews you've said that like in 10 years sometimes I feel that in 10 years of my struggle I've done only this much, and then when I look at the films those have been written but not produced, then I am filled with gratitude that at least ye to hua. So writers ki freelance ya fir kisi bhi freelance or creative person ki life mein the most important portion is of the struggle period that hum log na bahut si seedhi mein baith ke dhoop mein baith ke marmar ke offices mein jaate hain, marmar ke प्लॉट सुनाते हैं, पिचेस करते हैं, कुछ नहीं होता है, भगाया जाता है, जो भी सुना नहीं जाता. और ये ऐसा एक साल नहीं, दो साल नहीं, काफ़ी साल होते रहता है और थोड़ी थोड़ी उम्मीद हम खोने लगते हैं. मुझे लगता है अतिका कि ये जो अब यू शुड टॉक अबाउट दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स दैट यू रेफरिंग टू इन योर इंटरव्यूज, बिकॉज आई एम श्योर दैट वी ऑल विल गेन अ लॉट फ्रॉम दोज insights of yours. I'm really glad you brought this up because I think उन सालों का अगर थोड़ा माइक्रोस्कोपिक ऐसे एग्जामिनेशन करें तो वो यही थे. कुछ ने मुझसे पूछा जब छपाक वगैरह रिलीज़ होने वाली थी, काफ़ी लोग हर बार इंटरव्यू में पूछा जाता है आप तो बड़ी सक्सेसफुल राइटर हैं, देखिए आपकी फिल्मोग्राफी, आपकी आगे वाली फिल्म. एंड एक्चुअली आई वॉज लाइक यू नो देन आई एक्चुअली चकल बिकॉज फॉर मी एक्चुअली माई स्टोरी इज़ नॉट माई स्टोरी ऑफ सक्सेस, इट्स अ स्टोरी ऑफ फेलियर. बिकॉज हर फिल्म जो बनी है उसके पीछे अगर 3 पिक्चरें आज मेरे IMDb पे हैं, उसके पीछे कम से कम 13 प्रोजेक्ट में काम किया होगा मैंने, कम से कम, जो कि आधे आधे होके बंद हो गए, शेल्फ हो गए, इतनी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचे. ये तो आज ऐसा लगा था कि हो ही गया था, फिर वो नहीं हुआ. तो ऐसे कुछ the proverbial difference between distance between the cup and the lip. दूरी है वो कप, 3D में वो कप आता ही नहीं है. तो एक्चुअली ऑनेस्टली एक बात बोलूँ तो मतलब ये कुछ बहुत गलत नहीं होगा मेरा बोलना कि जब छपाक सच में बन गई और जब ऐसा लगा कि जिस दिन दीपिका पादुकोण ने हाँ बोल दिया छपाक में काम करने के लिए और जब तक फिल्म नहीं बनी तब तक मैं आई नेवर अलाउड माई सेल्फ टू बिलीव, बिकॉज इतनी ज़्यादा बार दिल टूट चुका था कि इट जस्ट आई हैड ऑलमोस्ट रिजाइन टू द आइडिया दैट माई लाइफ इज़ नॉट अबाउट अचीवमेंट, माई लाइफ इज़ अबाउट स्ट्रगल. विच मीन्स कि मेरा काम है सुबह उठना, पत्थर तोड़ना. मेरा काम ये नहीं है कि आज इसमें से मूर्ति निकल के आएगी या नहीं. मेरा काम है जो ये मेरे को बोला, वॉट एवर द बॉम्बे लाइफ एंटेल्स इज़ माई
job and I will do it. And yes, I will be angry. Yes, I will be messy. Yes, I will say things. Yes, I will be frustrated. But okay, I will do my job. And ek point ke baad, half successes, minor successes, 1/4 success here and there. Kahin na kahin milti rehti hai. So was Margarita was the first thing that happened to you after FTI or? Actually, my first assignment in Bombay was a Yash Raj assignment. There is a show called Rishta.com, which is now on Netflix. It was a finite series that Sony made, and it was a show called 26 parts, which was shooting. So, in that, I got my first job. Yash Raj read my script, which I wrote from film school. He said, this is very good, but we can't make it. But there is a spark in it. तो वो हम एक शो कर रहे हैं जिसके अंदर इसी तरीके का कुछ स्पार्क चाहिए तो मतलब वो पहला जॉब था एंड उस बहाने मतलब पहली बारी जयदीप सानी से बात करने को मिली थी एंड बहुत बड़ी चीज़ थी मतलब मेरे लिए उस समय 2008 की बात बता रही हूँ 2009 की बहुत बड़ी चीज़ थी कि जयदीप ने मुझे बोला था और मैं उनको हमेशा ये बोलती हूँ कि एक्चुअली जय उनको पता नहीं उनको शायद याद भी नहीं होगा मे बी वो इस तरीके की इनकरेजिंग बातें बहुत लोगों को बोलते हैं बट उन्होंने मुझे बोलता है एक सेकेंड इतनी रेस्टलेसनेस क्यों है तुम हो राइटर वो लेट्स पार्क दैट असाइड बाकी बात करते हैं अब कैसे बनोगी कैसे करोगी वो अलग है अभी तुम्हें ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि तुम राइटर हो या नहीं हो तो उन्होंने ऐसे बोल के वो ऐसे कर दिया और वो चले गए और मैं मेरे आंसू टप 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 निक उतर रहे और मैं ऐसे दिखा नहीं रही कि मैं कितनी इमोशनल फील कर रही हूँ उस मोमेंट में कि मुझे जयदीप सानी ने वैलिडेट कर दिया कि आप राइटर आप राइटर हो तो दैट हैपेंड एंड सून आफ्टर आई केम इनटू बॉम्बे उन्होंने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी जो कि इतनी अच्छी नहीं लिखी हुई थी क्योंकि बाद में मैं बहुत एम्बेरस होती थी उससे कि ये क्या लिखा है बट उसके अंदर था कुछ आई थिंक उसके अंदर एक कैरेक्टर का कीड़ा था शायद एक कुछ चीज़ें थी जो बड़ी अतरंगी थी तो उनको वो पसंद आ रहा था कि ये नया सोचती है नई राइटर है नई उससे आई है तो उन्होंने वो उसकी वजह से मुझे रेफ़र किया उन्हीं का सी एक जो Rishta.com सीरीज थी वो मेरा फर्स्ट जॉब था बॉम्बे के अंदर तो उस पर हमने लिखा एक साल काम किया उसमें श्रुति सेठ और कवि शास्त्री करके एक्टर्स थे बहुत मज़ा आया बट पैसे बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे तो बहुत मुश्किल से घर चलता था और मगर फिर ज़रूरी भी था बिकॉज इट वाज लाइक अरे आते ही तुम्हें यश राज के साथ काम मिल गया लोग बोलते थे यहाँ द बैनर मैं द बैनर इज बिग दे काइंड ऑफ बुली यू इनटू थिंकिंग कि वी आर सो बिग दैट वी डोंट नीड टू पे यू हमारा नाम तुम मतलब किराना वाले को बता दो वो तुम्हें चक्कर दे देगा लगभग एटीट्यूड यही होता है हाँ तो एक्चुअली जो आप बोल रही हूँ बिल्कुल वो मैं यूज़ भी करती थी वो मुझे तो पता नहीं था कि आपसे मिलूंगी 10 साल बाद और स्टेज पे बोलूंगी बट ये होता था किराना वाला तो नहीं बट काफ़ी लोगों को ये बोला पड़ता था मैं यश राज के साथ काम कर रही हूँ बट एक्चुअली लाइक कोई नहीं जानता मुझे यश राज में किसी को नहीं पड़ी है मेरी बट ये बोलना कि मैं यश राज में काम करती हूँ क्योंकि मैं उनके एक शो के ऊपर 26 एपिसोड के शो के अंदर 4 एपिसोड लिख रही हूँ मतलब ये बहुत मेरे लिए एक बहुत बड़ा फुटहोल्ड था उस समय तो वो हुआ और फिर That job went okay, कुछ तो writing experience बाहर निकल के आ गया फटाफट से release हो गया publish हो गया एक साल बाद ही तो कुछ मिल गया एक starting point मिल गया जिस एक hook है कि मतलब आपने इतना काम करके तो दिखा दिया तो उसकी वजह से फिर कुछ लोगों में थोड़ी बात फैली इनफैक्ट विजय वर्मा जो आज गली बॉय के अंदर मुराद हैं जो आज बहुत बड़े स्टार बन गए मैं उनके इंस्टाग्राम पे फोटो देखते ना बड़ा ये तो एकदम मिलान के मॉडल जैसे लग रहे हैं उस समय FTI के मेरे कॉमरेड थे और हम लोग सब स्ट्रगलर थे रामनगर में एंड ऑल दैट तो विजय हमारे Rishta.com के अंदर एक पार्ट प्ले करने आए थे बिकॉज मैं FTI से थी और मैंने एक कैरेक्टर लिखा था जिसके अंदर विजय एकदम फिट बैठ रहे थे तो मैंने उनको रेकमेंड किया विजय आए वो पार्ट प्ले किया वो सब अच्छा गया तो विजय मुझे लेके गए अपने फ्रेंड से मिलाने जो मार्गरीटा लिख रहे थे जो कि निदेश है और उन्होंने बोला कि यार बताओ वो कौन सी स्क्रिप्ट थी विजय बहुत बोल रहा था आज तुमने बहुत अच्छा लिखा है तो उन्होंने पढ़ा एंड अच्छा तुम दिल्ली की हो अच्छा हम ये पिक्चर कर रहे हैं तो तुम इसके डायलॉग लिखोगी तो ऐसे इस तरीके से वो बात खुल गई ये बिना एजेंट के जो काम बन जाते हैं वो और बिना एजेंट के ही बनते हैं अगर आपके पास एजेंट है भी तो भी तो ये भी सच्चा ही है तो बेसिकली फिर किसी ऐसे करके मार्गरीटा मिली और उन्होंने बोले से ऑन अ लाख दे सेड कि करोगी ड्राफ्ट कर भेजे तुम्हें पहले 15 पेज ऐसे हाँ भेजिए
That was Sonali that you wrote. I was in touch with Nilesh, who is Sonali's co-writer. So and co-director. So फिर उस हमने किया 15 पेज तो उनको कुछ समझ आया. फिर धीरे धीरे करके then they started asking me to come and participate in the script sessions. फिर वही था कि मतलब उनकी स्क्रिप्ट अब पूरी ही हो रही थी तो फिर आई जस्ट बिकेम पार्ट ऑफ द टीम एंड धीरे 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 करके फिर पिक्चर हमने लिख ली थी बाई 2012 आठ महीने लिखते रहे उसको उसके काफ़ी ड्राफ्ट बदले और काफ़ी डिफिकल्ट फिल्म थी और वो इस तरीके की फिल्म और ऑब्वियसली वो इतनी ज़बरदस्त फिल्म थी मतलब इट वॉज टोटली टू माई टेस्ट माई लाइकिंग माई सेंसिबिलिटी बट उस पिक्चर ने बहुत कठिन दिन देखे थे बिकॉज आज की दुनिया में आज जो समाज है आज जो इंडिया है इसके अंदर इस LGBT फिल्म रिलीज़ करना कितना आसान है और 2012 में जब हम सोनाली ने वो पिक्चर कंसीव करी थी और वो एक लड़की की एक डिसेबल्ड लड़की की सेक्सुअलिटी के बारे में बात करना चाहती थी और उस तरीके से जिस कैंडर से वो उसको दिखाना चाहती थी स्टूडियो तो थर थर कांपते थे वो स्टोरी सुन के मतलब इट वॉज लाइक कि कोई चांस ही नहीं है मतलब लोग हमें बहुत अच्छे से खाना वाना खिला के घर भेज देते थे कि जाओ क्या बात कर रहे हो तो ऐसा वाला होता था वो कि हम बड़ी बहुत सारी पिक्चर देखते थे हम टू यू नो राइट द बेस्ट पॉसिबल फिल्म तो विद इन द ग्रुप विद इन द टीम और वाइल इवन राइटिंग ऐसा था कि I'm back to school, you know. I'm back to the film school because बहुत ही अच्छा उम्दा काम हो रहा था मगर outside of that little room हम लोगों की कोई value नहीं थी क्योंकि हमको जब भी किसी studio में जाते थे हमें ऐसा feel कराया जाता था कि ये तो बिल्कुल ही worthless project है फिर वो picture ने एक अजीब सी turn ली ये एक अजीब सा divine intervention था कि उस picture की film festival किस्मत जो खुली I think that film has traveled over like I wouldn't be surprised like easily 80 countries or something like you know and film festivals mein that film became the darling of film festivals that year and uski wajah se manna hi pada loha hindustan mein kuch logo ko us film ka aur uski wajah se wo picture india mein release hui kyunki har jagah hum gaye aur it was a standing ovation everywhere हिंदू इट वॉज़ लाइक मैं ये 2012 से आपको बात बतानी शुरू की 2014 में वो फिल्म टिफ के लिए सिलेक्ट हो गई टोरंटो सो इनफैक्ट सोनाली हरसेल्फ एंड निलेश की फैमिली तो सोनाली एंड निलेश देमसेल्फ बिकेम को प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म एंड वायाकॉम वॉज ऑलवेज दैट टाइम इट वॉज वायाकॉम 18 सो वायाकॉम वॉज ऑलवेज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स तो वायाकॉम ने कुछ आधे पैसे लगाए थे जो काफ़ी कम पैसे थे बट वो उतने पैसे थे उस फिल्म पे और बाकी जितने दूसरा जो सेकंड प्रोड्यूसर था मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी वो भी एक इंडिपेंडेंट फिल्म में पैसे लगाते हैं बट उन्होंने लास्ट मिनट में पुल आउट कर दिया था तो उसकी वजह से पिक्चर काफ़ी परेशान रही बट एनी वे वो सब जर्नी जो थी वो फिल्म की रही सो बैक टू द राइटिंग ऑफ मार्गरेटा हाउ मेनी इयर्स यू वर्कड ऑन दैट तो मैं जब उस फिल्म पे आई थी उस फिल्म के काफ़ी ड्राफ्ट्स हो चुके थे लाइक आई थिंक उन लोगों ने उसका आठवां दसवां ड्राफ्ट लिख लिया था शायद बट उसका विच इज़ नॉट अ बैड थिंग एट ऑल द फिल्म वॉज इवॉल्विंग कॉन्स्टेंटली तो मेरे आने के बाद भी आई थिंक द फिल्म चेंज्ड several drafts and I just became part of the team and picture की जो कहानी है वो तो सोनाली की है सोनाली की खुद की बहन है कज़न सिस्टर जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है उस सेरेब्रल मालिनी है उनका नाम मालिनी ने 40th बर्थडे पे सोनाली को बोला कि सोनाली ने पूछा कि व्हाट डू यू वांट फॉर योर 40th बर्थडे आई एम श्योर यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग एंड मालिनी सेड एंड मालिनी हैज सेरेब्रल पॉल्सी एंड हैवी शी हैज़ अ हैवी शी इज़ अ हैवी वेरियंट लाइक उसका उनका बहुत ज़्यादा बॉडी को मूव करना बहुत मुश्किल है उनके लिए तो उनके सारे मोटर स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं तो शी सेड आई विश आई कुड हैड सेक्स एंड दैट लाइन स्टेड रिशनली ऑन द बेसिस ऑफ विच द होल फिल्म गॉट पेंट सो ये फिल्म थी इसको फिर लिखा फिर जो भी किया फिर इसकी जो जर्नी थी फिर ये बहुत ही वियर्ड चीज़ थी नहीं गिवन दैट योर पर्सनालिटी हैज़ आई मीन आप बिठ जाती हो किसी भी सब्जेक्ट से और मुझे ये नहीं लगता कि आपको कुछ हिचक या फिर कुछ हेजिटेशन रहा होगा व्हेन यू हर्ड द स्टोरी बट स्टिल व्हाट इज सम पार्ट ऑफ दैट फिल्म ऑफ दैट स्टोरी वेयर इवन यू फेल्ट दैट वेदर यू वुड बी एबल टू हैंडल इट और नो आई
So the thing is, did that character kind of, you know, scare you in some way, or you? I was very open to the idea of working on this film because I was like, wow, this film should be made. Yes, I am all for this. So I didn't have problems in that manner, but I had problems with respect to क्या मेरे पास इतनी अच्छी क्राफ्ट है कि मैं इसको एक्चुअलाइज कर पाऊंगी. मेरा प्रॉब्लम वहां से आ रहा था कि ये लोग जो मुझे हमेशा जो इतना टैलेंटेड समझ रहे हैं, क्योंकि मैं बात बात में ऐसे विट क्रैक कर देती हूँ, डजेंट मीन कि मैं पेपर पे वो ले आऊँगी जो इनको चाहिए थ्रू लैला का कैरेक्टर. ये मेरी फटती थी, बट ये नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगी या नहीं. मतलब आई वॉज लाइक, हाँ ऑफकोर्स ये फिल्म होनी चाहिए, हाँ आप मुझे हिस्सा बना रहे हो, हाँ बिल्कुल बनाओ. मतलब मैं तो मर रही हूँ ये पिक्चर करने के लिए. सो दैट वॉज नॉट द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम वॉज क्या मैं ये कर पाऊँगी. इन्होंने दे तो दिया है काम, बट विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू दिस नाउ. बिकॉज उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि लैला कैसे बोलेगी. हमें कुछ नहीं पता था पिक्चर के बारे में. दे जस्ट हैड लाइक सो दे वॉज वी डिड नॉट नो हाउ लैला विल टॉक टिल till we did workshops and till we identified. वो थोड़ा एक था back and forth, तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा मुझे और फिर मुझे वो आइडिया उनको बेचना पड़ा. लाइक आई नाउ दैट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट एंड बिकॉज दिस इज अबाउट क्राफ्ट राइटिंग प्रोसेस. सो वो था मेरा प्रोसेस कि शुरू के अंदर जो मैंने लिखा लैला के कैरेक्टर के बारे में, दिस इज अ गर्ल जिसके मोटर स्किल्स डैमेज्ड हैं, जो बोल नहीं पाती, मगर उसका दिमाग एकदम सही है. वो बिल्कुल नॉर्मल है आपके और मेरी तरह. उसके सब डिज़ायर्स हैं जस्ट जो एक यंग लड़की के होते हैं, उसकी सब फैंटेसीज हैं. दैट ऑल्सो मीन्स कि वो उतनी ही केपेबल है करप्ट होने की, वो उतनी ही केपेबल है मैनिपुलेट करने की, वो उतनी ही केपेबल है डार्क होने की. वो उतनी ही केपेबल है वो सारी वो गलत चीज़ें करने की भी जितनी वो अच्छी चीज़ें करने की केपेबल है. और ये थॉट ही बहुत मैच्योर है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे मतलब इफ सम समवन हूज क्रिपल्ड और हैज सम काइंड ऑफ अ हैंडीकैप, देन हम तो उन्हें बस भगवान ही बना देते हैं. मतलब कि हम तो माला चढ़ानी है और स्तोत्रम गाना है. करेक्ट. सो ये मैं बोलूँगी कि ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन था टू द स्क्रीन प्ले, कि जब उन्होंने एक आग बनाया था कि लैला ऐसी है, लैला ऐसा करेगी, लैला को एक्सप्लोर करना है, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसकी लैंग्वेज में या उसके बॉडी लैंग्वेज में या उसके बिहेवियर में इसको कैसे कंसीव करेंगे. ये काम उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं सोची थी. मैंने जब पहला एक दो ड्राफ्ट लिखा, एक दो अटेम्प्ट किए उसके डायलॉग लिखने के, पहले मैं भी यही कर रही थी कि शुड आई जस्ट फोकस ऑन लैंग्वेज की वो मस्ट मंबल कर रही है. टू अप्रॉक्सीमेट हर डिसेबिलिटी वॉज माई फर्स्ट अप्रोच, विच वुड हैव बीन एवरी एनी वन इन दिस रूम. अगर उनको मिले लैला क्रैक करने के लिए, तो शायद वो भी ये करेंगे कि एक लड़की बोले विच इज वट आई ऑल्सो डिड. एंड आई वॉज लाइक आई न्यू इमीडिएटली दैट दैट्स अ फॉल्स मूव आई हैव मेड, दिस इज रॉन्ग. बिकॉज ये अप्रॉक्सीमेशन ऑफ हर डिसबिलिटी इज नॉट वेयर दिस फिल्म, वेयर दिस कैरेक्टर इज गोइंग टू गो और शी विल रिवील हर सेल्फ. आई रियलाइज एक्चुअली उसका जो नेचर है, इनहेरेंट नेचर उस कैरेक्टर का, दैट इज वट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी. एंड दैट इज हाउ आई क्रैक सम ऑफ द टफेस्ट सीन्स. सो व्हेनेवर शी इज, सो दिस इज वट आई आइडेंटिफाइड और वट आई डिस्कवर्ड अबाउट द कैरेक्टर, वट द कैरेक्टर रिवील टू मी रियली वॉज दैट जब भी लैला अपनी माँ के साथ होती है, और क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ उसकी इनऑडिबल भाषा भी समझ सकती है, क्योंकि वो उसकी माँ है और वो बचपन से जानती है, और उसके अपनी माँ को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलती है और वो कुछ भी बोलती है. और जब भी लैला एक अनफेमिलियर लोगों के साथ होती है जहाँ पे उसे इम्प्रेस करना होता है, जैसे जो नॉर्थ ईस्ट बॉय जिसके साथ उसको प्यार हो जाता है, तो वो मोनोसिलेबल्स में बोलती है और प्रेफर करती है चैट पे बात करना, फ़ोन पे बात करना, या उस तरीके से अपने आप को दिखाना कि एक्चुअली मेरा डिसेबिलिटी तो कम ही है. मतलब अगर इतना सा नहीं होता तो तुम्हें पता भी नहीं चलता. सो द मिनट यू अंडरस्टैंड दैट वेयर द डिज़ायर एंड द नीड ऑफ बीइंग सीन और परसीव्ड इन अ सर्टेन वे इज कमिंग, एंड बिकॉज शी इज स्मार्ट इनफ टू नो कि वो कैसी दिख रही है एंड हाउ शी इज मैनिपुलेटिंग दैट इन ईच सीन, वी न्यू हाउ टू प्ले विद हर लैंग्वेज एंड हर डिसेबिलिटी, कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा दिखाना है कहाँ पे कम है. एंड द मिनट वी फिगर्ड दिस, देन उसके बाद आसान हो गया, बिकॉज एक बार ये फॉर्मूला बन गया, देन वी न्यू हाउ टू टेक इट, टेक अ ऑल द वे टिल द US, कि वहाँ पर भेजा के उसे क्या करना है. एंड सो वी जस्ट न्यू हाउ टू हैंडल इट देयर आफ्टर.
So this is an important, aspect of this workshop, I guess, because when people speak about the work that they have done on their scripts, and then we get some sort of insights into it. So you mentioned about the workshop that you had some. So what kind of workshops? So we met a lot of young people and children with cerebral palsy, and we realized that cerebral palsy ka na ek spectrum hai. Matlab aisa nahi hai ki ek hi, matlab har bacche ka ek hi tarike ka, डिसेबिलिटी का डिग्री अलग अलग है हर बच्चे का, हर इंडिविजुअल का. सो कुछ लोग ज़्यादा स्लर करते हैं, कुछ लोग कम स्लर करते हैं, कुछ लोगों की स्पीच काफ़ी क्लियर होती है, उनके बाकी मोटर स्किल्स डिसेबल्ड होते हैं. कुछ लोग चल भी नहीं पाते, कुछ लोग इतना होता है कि मतलब वो बिल्कुल ही अपने आप को ऑपरेट नहीं कर पाते, जो मालिनी की सिचुएशन है. बट उसी सो एक स्पेक्ट्रम है. तो अब हम जब हमने ये देखा, ये एक्सरसाइज ये थी ये देखने के लिए कि हमें कहाँ अपनी कैरेक्टर को फिट करना है, हम कहाँ उसको लेके जाएंगे. और ये भी था कि किसी किसी मोमेंट में वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देते थे और किसी मोमेंट में वो बिल्कुल भी ऑडिबल नहीं थे. तो ये समझना ज़रूरी, उनके साथ जो हमने टाइम स्पेंड किया. एंड दिस इज़ द अदर थिंग, ऑब्वियसली दिस हैपेंस टू एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटी इन दिस कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड. जैसे ही आप एक डिसेबल्ड आदमी को देखते हो, आप उन्हें इन्फेंटिलाइज करना शुरू कर देते हो, या उनको ऑलमोस्ट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पर्सन ऑन द व्हील चेयर जिसको हमें अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब हम अपने बाकी चीज़ें कर सकते हैं, इसको क्या फर्क पड़ रहा है, लाइक यू नो, लाइक. सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैप्चर्ड इन दैट ओपनिंग सीन. जब वो आरटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, उसको नीचे लेके जा रहे हैं दो गार्ड, मगर वो अपनी कॉलेज पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं. बिकॉज इट डजंट मैटर कि ये तो वेजिटेबल ऑन द व्हीलचेयर है, इसको क्या समझ आ रहा है, हम अपनी कुछ भी बातें कर सकते हैं साथ में. तो दैट बिकेम द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ लाइक दैट एक्सरसाइज, दैट वर्कशॉप विद इंडिविजुअल्स हु हैड cerebral palsy. So because we've arrived at it, so maybe what is the importance of research and such kind of studies in the process of writing? Because I think हमारे यहाँ पे ये एक और भी phenomenon बहुत है. हम लोगों को लगता है कि imagination मतलब तोफ, और imagination मतलब गंगोत्री जहाँ जो हिमालय में निकलेगी और मेरे पेपर पे ही आएगी डायरेक्टली. आई थिंक वी एज इंडियन राइटर्स हम लोग थोड़ा ध्यान ही नहीं देते हैं रिसर्च की तरफ या फिर इंफॉर्मेशन की तरफ. वॉट इज़ योर टेक अबाउट? वो राइटर्स की उतनी ही गलती है जितनी प्रोड्यूसर्स की, क्योंकि जब आप बहुत वेल रिसर्च माल प्रोड्यूसर्स को देते हो तो वो सर डर जाते हैं, बिकॉज दे आर लाइक अरे ये तो बोरिंग हो जाएगा, ये एकेडमिक हो जाएगा. उसके अंदर गलती शायद कहीं ना कहीं राइटर्स की शायद ये रही हो कि शायद उनकी स्किल्स वीक थी, कि प्रोड्यूसर्स को आपकी रिसर्च से इतना डर लगने लगा है. बट रिसर्च, आपका पहला क्वेश्चन जो था इसके अंदर सवाल में, कि रिसर्च तो सब कुछ है मतलब. बट यही मैं कहूँगी कि रिसर्च और इमेजिनेशन दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं. और लाइक राइट नाउ आई एम राइटिंग अ वॉर फिल्म, एंड आई नो कितनी ज़रूरी है रिसर्च. मगर रिसर्च मुझे ये भी पता है कि बहुत जल्दी आप एक बहुत जल्दी इट ऑल्सो बिकम्स अ हिंड्रेंस एंड लिमिटेशन, बिकॉज फिर आप एक पॉइंट के बाद उसके आगे सोच नहीं पा रहे हो. तो कभी कभार आपको ना इंटरनलाइज करके फिर भूलनी पड़ती है रिसर्च और एक नई तरीके से सोचना पड़ता है. और मुझे कभी कभी काफ़ी बार मुझे तो ये लगा कि रिसर्च से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं जो फ्यूल करती है. जैसे कि व्हेन आई वाज राइटिंग मालामाल वीकली, एंड आई मीन आई वुड स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, लाइक लेट्स से कि गाँव का नाम क्या होना चाहिए. करेक्ट. सो गाँव का नाम, अभी तो इंटरनेट है, आप 15 नाम लेके बैठो और उसमें बुदबुदा. मैंने कहा बुदबुदा एक्चुअली गाँव का नाम है. And when I was doing the narration, people thought that it is an imaginary name. I said, imaginary name kaya ka budbuda naam ka satmuch gaon hai. So very interesting things that actually, I mean, they fuel your imagination. So doesn't necessarily have to be overload of it. बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ये करना चाहिए. जहाँ आप मतलब अगर एक सिंपल सी भी लव स्टोरी आप लिख रहे हो तो वहाँ जाना चाहिए. आई मीन रिसर्च की आपने बात छेड़ी, तो छपाक का मतलब पहले कुछ 3 महीने तो मतलब सिर्फ रिसर्च ही था. इट वॉज मतलब वो कॉमिंग थ्रू ऑफ द जजमेंट्स और वो लॉ को पढ़ना और उस तरीके लॉयर से बात करना और लॉ को पढ़ना और उस लॉ को समझना जिस तरीके से उसने रूप लिया हिंदुस्तान के अंदर, उसका जो अमेंडमेंट हो रहा था IPC के अमेंडमेंट, वो सबको पढ़ना, उसको पीस टुगेदर करना. ये हमारी एक अलग टाइमलाइन थी जो एक बोर्ड पे लिखी हुई थी. उसके बाद एक अलग टाइमलाइन थी जो जजमेंट्स की टाइमलाइन थी और जजमेंट के फैक्ट्स थे. तो ये अलग टाइमलाइन थी. इस ये नहीं होता तो वो सीन्स जो आज इसके लिए, मुझे नहीं पता इस ऑडियंस में कितने लोगों को पसंद आए या नहीं, बट मुझे जैसे कुछ लोगों ने काफ़ी प्रेज़ किया फॉर द ऑल द लीगल सीन्स.
especially lawyers, some lawyers have come to us and said ki bahut hi acche likhe hue hain, bahut thorough hain scenes, bilkul bhi ek bhi false note nahi hai, ek do kuch hai ki ek kuch kisi ne bola ki chote minor ke alawa baaki sab logon ne bola bahut acche likhe hain, and that is because of research, because I have put 3 months into just putting factually the film had to be sound. We were very very certain that baki cheeze kuch bhi ho jaye idhar ki udhar, but factually the film cannot falter. It cannot be a Hindi film which will not take itself seriously, because here is a very big responsibility, that so it can't be just anything, aur uske andar fir drama milk karenge. Pehle fact ko bithana bahut zaruri hai, to ye approach Chhapaak ke liye tha for certain. We've already arrived at Chhapaak, so let's speak about it. How did it happen to you, and how does your life have changed after this? But that can be another question. How did the film happen to you? Who? मैंने एक फिल्म लिखी थी वेटिंग करके, अनु मेनन, जो अभी भी नेटफ्लिक्स पे हैं आप देख सकते हैं. सो वेटिंग बहुत पसंद आई कुछ लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को, काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला हमें बहुत पसंद आया, हम बहुत रोए तुम्हारे काम पे एंड ऑल ऑफ दैट. तो उसके अंदर हनी रेहान करके एक डायरेक्टर हैं, अब पहले कास्टिंग डायरेक्टर थे, अब बहुत अब खुद डायरेक्टर बन गए. तो उनका फ़ोन आया मुझे और वो मेरे साथ काम करना चाहते थे. तो हम जो काम करना चाहते थे वो बात नहीं बन पा रही थी, कि कभी वो बिज़ी थे, कभी मैं बिज़ी थी, कभी कुछ और हो रहा था. तो उस दौरान उन्होंने मुझे, वो मेघना को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो विशाल भारद्वाज के कैंप में थे, और उस समय मेघना एक राइटर ढूंढ रही थी अपने साथ काम करने के लिए ऑन Chhapaak, जो उस समय उस प्रोजेक्ट का कोई नाम नहीं था, एसिड के नाम से हम उसको बोलते थे. तो उन्होंने एक दिन मुझे बस बोला कि ऑफिस आ जाओ, एंड आई वॉज लाइक, मुझे लगा कि हनी का प्रोजेक्ट है, उसके लिए बुला रहे हैं. तो मैं गई, तो उन्होंने, मैं घुसी और उसके 5 मिनट बाद मेघना आ गई ऑफिस में. तो मैं देखा मैंने मेघना को, मतलब आई वॉज लाइक वो तलवार की डायरेक्टर. सो देवल है, ही वॉज लाइक मनी सर कि आतिका ये मेघना है, मेघना ये आतिका है, बात कर लीजिए. तो मैंने मतलब आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है. सो मेघना स्टार्टेड एंड शी सेड आतिका आई हैव हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट यू, ये मेरा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमने ये लाइफ राइट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है इस हफ्ते ये लाइफ राइट्स सिक्योर हो जाएंगे. छोटा सा प्रोजेक्ट हमेशा डायरेक्टर इसलिए कहते हैं ताकि राइटर्स को वो पैसे कम दें. दैट्स ट्रू. एक्चुअली मेघना की फिल्मोग्राफी में Chhapaak छोटा प्रोजेक्ट था और शायद अभी भी रहेगा, मतलब आई डोंट नो अब कैसा रहेगा, वो तो उनके रेट्रोस्पेक्टिव में ही समझ आएगा, मगर जब हमने लिखी थी वो उनकी सबसे छोटी फिल्म थी, और वो कहती भी थी कि ये मेरी छोटी फिल्म है, प्योर फिल्म है, छोटी फिल्म है, प्योर फिल्म है, अगर और कोई पैसा नहीं लगाएगा मैं खुद पैसा लगाऊंगी. लाइक वो हमेशा से यही उनका अप्रोच ही था, क्योंकि हमें पता था कि जो वो सब्जेक्ट की स्कोप है, वो क्योंकि वो इतना हार्ड सब्जेक्ट है, उसको बेचना इतना मुश्किल होगा, तो हम लोग को वो उनको शुरू से पता था. तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि वो जो हट थी, वो जो स्टबननेस थी कि ये प्रोजेक्ट पर मुझे काम करना है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सारे प्रोड्यूसर्स बोलते हैं ये पे मत काम करो, वो उनकी खुद की थी. आपकी कुंडली में ये क्या ग्रह है कि आपको फीमेल डायरेक्टर्स मिलते हैं और वो भी बड़े हटी डायरेक्टर्स मिलते हैं, हटी हटी फिल्म फीमेल डायरेक्टर्स. अगर हम कुंडली में बात करने लगे तो ये एक दूसरा वार्तालाप 2 करना पड़ेगा, क्योंकि आप मैं कुंडली पे पूरा एग्जामिन किया कि मेरी कुंडली क्या है, क्योंकि मेरा कुंडली एक ऐसा मामला है, जिस बता रही हूँ ऐसे डाइग्रेशन के लिए, कुंडली एक ऐसा मामला है कि जब भी मेल पंडित दिल्ली वाले नॉर्थ इंडिया वाले वो पंडित जब भी देखते थे तो बोलते थे अरे बापरे ये औरत का चार्ट है, मतलब इट यूज टू बी लाइक अ स्कैंडल. सो एक पॉइंट के बाद मैंने अपना चार्ट दिल्ली में तो दिखाना ही बंद कर दिया, बिकॉज आई वाज लाइक अरे यार फिर कौन डील करेगा, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है ये सब देख के. फिर अभी जब वो अब वही जब मैं अब वो वही चार्ट बॉम्बे में औरतों फीमेल एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाती हूँ तो वो बोलती हैं वाह क्या गॉडेस है, लाइक नहीं बट बचपन में मैंने अपने बारे में कुछ और सुना है. सो गॉडेस का एग्जैक्ट ऑपोजिट. सो बेसिकली आई वॉज लाइक कि सो वो जो चार्ट है वो है ऐसा, तो कुंडली भी प्रूव करती है कि हाँ मैं हटी डायरेक्टर यू अट्रैक्ट करती हूँ. अच्छा. तो वो अलाइनमेंट उस दिन बना, वो कुंडली ने काम किया और वो अलाइनमेंट उस दिन बना, और वो कुछ 2 मीटिंग में ही क्लिक हो गया प्रोजेक्ट. मुझे नहीं पता कैसे हुआ, ऑब्वियसली मैंने कुछ समझदारी की बातें करी होंगी और वो एकदम क्लिक हो गया और फिर हम उस पर काम करने लगे. और पहले 8 महीने लगे हमें पहला ड्राफ्ट लिखने के लिए,
बहुत परेशान किया उस लिखाई ने. वो ऐसा साल था जब मैंने मतलब बिकॉज आई वॉज राइटिंग दिस आई जस्ट नीडेड टू शट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम एनी थिंग. तो मैं उस साल सोशल मीडिया से हर जगह से लॉग आउट कर लिया था. आई वॉज नॉट ऑन फेसबुक, आई वॉज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज नॉट ऑन ट्विटर. आई वॉज ओनली डूइंग वन थिंग. और मैं सुबह 9 बजे मेघना के ऑफिस पहुँच जाती थी और रोज़ 4 बजे तक बैठ के लिखती थी. एंड दिस केप्ट हैपनिंग टिल फॉर अबाउट 8 मंथ्स टिल वी हैड लाइक वन रियली नाइस क्रैकिंग ड्राफ्ट. उसमें पॉलिश हुई है ऑब्वियसली, उसके 3-4 बाद हाथ लगे हैं उसके ऊपर. बट लार्जली वॉट वी वॉन्टेड टू अचीव विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर हमने पहले 3-4 महीने में क्रैक कर लिया था. So what is your writing process? I mean, when you write individually on your own and because Meghna is a co-writer here, so ye do logon se director bhi thi to wo co-writer director ka role is tarike ka hota hai, aap sab bhi jante hain ki matlab basically wo bahar se guide karte hain, writing ko bhi guide karte hain, fir ek point pe hi uske andar ghuste hain, matlab you know when they do the director's pass. But matlab largely मेरा काम आइडियाज़ लीड करना था. मतलब मेरा काम ये था कि मैं उनको 4 नैरेटिव के आइडियाज़ दूंगी जिसमें से वो 2 चूज़ करेंगी, फिर हम उसको फिर से शेप अप करेंगे, फिर मैं लीड करूंगी, मैं अगले दिन 5 आइडियाज़ लेके आऊँगी, फिर वो उसमें से बताएंगी. और ऑब्वियसली अगर उनको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है तो शी मे ऑल्सो थ्रो एन आइडिया बैक एट मी. बट लार्जली एज अ मतलब ये रूम के अंदर हमारी जॉब डिवाइडेड थी कि मेरे को थोड़ा लीड करना है क्योंकि मैं स्क्रीन राइटिंग करूँगी, पहला ड्राफ्ट मैं लिखूंगी, तो स्ट्रक्चरली मुझे इसको आगे लेके जाना है. तो सो व्हाट इज योर लाइक डेली राइटिंग रूटीन लाइक? यू आर करंटली नाइट करंटली एंड देन छपाक आल्सो, व्हाट इज द डिफरेंट थिंग्स? No, I'm a morning writer. I'm predominantly a morning writer. I've always been a morning writer. I'm a morning person. I really believe यहाँ पे एक अगर किसी को हैक दे सकती हूँ तो मतलब मैंने वो सब किया है कि रात भर उठ के भी लिखा है, सुबह भी लिखा है, 4 बजे भी लिखा है, 5 बजे भी लिखा है. एंड आई नो दैट इफ़ यू राइट बिटवीन 4 AM एंड 6 AM इट्स अ डिवाइन आवर. इफ़ यू कैन एक्चुअली गेट अप एवरी डे एंड पुट योर सेल्फ इन अ मोमेंटम एंड अ रूटीन वे यू कैन एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट टाइपिंग बाय लाइक बिटवीन 4. आप 4 बजे उठ जाइए, 5 बजे से लिखना शुरू कर दीजिए. बट आई नो दैट दैट्स अ डिवाइन आवर एंड आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस. इट मे हैपन टू मी, इट मे नॉट हैपन टू यू. आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई जादू है बता रही हूँ, बट आई जस्ट नो दैट वो सुबह की राइटिंग जो है, जो आपका सबकॉन्शियस एकदम क्लीन होता है और वहाँ से जब आप लिखना शुरू करते हैं तो एक एक डिवाइन पावर है जो आपको उस मोमेंटम में बिठाती है. एंड उस वो जब उस रूटीन में मैं जाती हूँ जहाँ पे बहुत लिखना होता है और सुबह जल्दी उठ के लिखना होता है, तो वो एक आते हैं वैसे दिन. कुछ अगर आप एक महीना लिख रहे हैं और आपको एक डिलीवर करना ही है ड्राफ्ट, तो आपको काटना पड़ता है अपने आप को बहुत चीज़ों से. लाइक ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल्स प्रोसेसेस आर, बट मैं अपने आप को कोशिश करती हूँ जितना क्लीन रखूँ अपनी बॉडी को. उस समय यू नो शराब नहीं पीऊँ या सिगरेट नहीं पीऊँ, या जितना अपनी बॉडी को लाइट रखूं, कम खाना खाऊं, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊं और जल्दी लिख पाऊं. और आई मस्ट से दैट आई हैव अटेंडेड लॉट ऑफ वार्तालाप एंड आई हैव हर्ड क्वाइट अ फ्यू नंबर ऑफ इंटरव्यूज इन राइटर्स एसोसिएशन. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हियरिंग समबडी हु इज एसोसिएटिंग द क्लीनलीनेस ऑफ द इंटरनल body things or maybe you know having some sort of a restrictions about them and then but this may this be just a personal process because yeah. it's no, not yeah, necessary I'm, because I know that a lot of good writers are they will do whatever. Like I know some I actually know people jo puri raat party karke subah jaate hain aur likhte hain and so that is not to compare. I envy those people. Main nahi kar pati mere main shayad bahut you know mera bahut परकुलेट हो जाता है एनर्जी, तो मैं शायद उससे इतना डील करती रहती हूँ कि मुझे पता है कि मैं वही प्रोसेस करती रहूँगी इमोशनल प्रॉब्लम्स अपने इंस्टेड ऑफ व्हाट आई हैव टू डू ऑन पेपर. सो मेरा ये एक प्रोसेस होता है कि मैं अपने आप को डिस्टेंस करना शुरू कर देती हूँ जब मुझे पता है कि अब मुझे एक ज़बरदस्त ड्राफ्ट लिखना है और इस समय मुझे आई हैव टू कमिट टू माई कैरेक्टर्स. सो ये मेरा प्रोसेस है. बट मनीषा आई मस्ट से दिस बिकॉज दैट्स नॉट द इम्प्रेशन दैट आई वुड लाइक to spread that I am saying that cleanliness of the body is necessary for writing. No, everybody knows that. Yeah. And I mean because we all are so idiosyncratic about the processor and every writer is a different writer. So that is given and that I think everybody is mature to know. But this is a very unique and very very sage-like thing and a very sage-like approach to writing. So the Chhapaak we were at.
that basically हाँ so 8 months into first draft वही process था सुबह जल्दी मतलब लगभग delivery जैसे ही होगा ये pregnancy 8 महीने बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही था 9वें महीने में हमारा पूरा draft था कुछ लोगों ने पढ़ा गुलजार सर ने पढ़ा बहुत बड़ा moment था हमारे लिए जब draft खत्म हुआ और हम गुलजार सर को देख पाए और तो ये सब था उसमें और वही था हमेशा प्रोसेस यही था कि सुबह से मोमेंटम था राइटिंग के अंदर और बहुत डेडिकेशन थी और मेहनत थी और लिखते थे मुझे एक बात ही बोलनी है सबको कि एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मेरी राइटिंग में क्या सक्सेस है क्या नहीं है मैं यहाँ पे क्यों हूँ क्यों नहीं हूँ मुझे सबको एक ही बात बोलनी है आप लोग इतने सारे लोग यहाँ पे हैं आई जस्ट वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू नो कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है एंड मेरी कमर झुकी हुई है और वो एक अच्छे रीज़न से झुकी हुई है एंड आई एम वेरी प्राउड कि वो थोड़ा सा स्लाउच मेरा हर कुछ महीनों में और ज़्यादा होता जा रहा है जैसे मैं बूढ़ी होती जाऊँगी ये और होता जाएगा आई होप सो बिकॉज मैं इतना काम करूँगी बट आई जस्ट हैव टू से दिस बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल गिव यू दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन कि अरे कुछ भी कर दे दो दिन में ड्राफ्ट दो रात में ड्राफ्ट नहीं ये आजकल ज़्यादा हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा है बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ प्रेशर ऑफ द सबमिशंस बिकॉज एवरीबॉडी ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑल द स्ट्रीज आर आस्किंग यू फॉर द स्क्रिप्ट तो वो फास्ट आइडियाज फास्ट राइटिंग स्लो राइटिंग दो अलग प्रोसेसेस हैं मुझे बस ये बोलना है वो फास्ट राइटिंग स्लो राइटिंग आपकी क्या कमर्शियल कमिटमेंट्स हैं इंडस्ट्री कमिटमेंट्स हैं वो अलग है बट टू से कि आप बिना हार्डवर्क किए बिना कहीं पहुंच जाएंगे वो शायद एक बार हो जाएगा आपकी करियर में या शायद दो बार हो जाएगा मगर वो बार वो सस्टेन नहीं होगा और वो उससे आपकी क्राफ्ट नहीं मंजेगी क्राफ्ट आपकी तभी मंजेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत सिंपल है एक म्यूजिशियन एक सिंगर बिना रियाज के कहीं नहीं पहुंच पाता राइटर बिना रियाज के कहाँ पहुंचेगा ये जस्ट बिकॉज आप फेसबुक पे अच्छा लिख सकते हैं डज नॉट मीन कि आप अच्छी स्क्रीन राइटिंग कर पाएंगे क्योंकि लैंग्वेज और सिनेमा की राइटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं सिनेमा सोचना और अच्छी अंग्रेजी में लिखना ये दो अलग चीज़ें हैं अच्छी लैंग्वेज डज नॉट अमाउंट टू अ ग्रेट सिनेमैटिक राइटर बहुत आप ऐसे इनआर्टिकुलेट लोगों को मिलेंगे जो बहुत अच्छा सिनेमा सोचते हैं क्योंकि वो सिनेमा की बीट सोचते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन किया है सिनेमा की बीट सोचना सिनेमा की राइटिंग सिर्फ अंग्रेजी लिखना नहीं है आप एवरेज इंग्लिश या बुरी इंग्लिश में भी बहुत अच्छा सिनेमैटिक ड्राफ्ट लिख सकते हैं आप हिंदी में बहुत अच्छा सिनेमैटिक ड्राफ्ट लिख सकते हैं आप वो लैंग्वेज जो आपको आती है उसमें बहुत अच्छा सिनेमैटिक ड्राफ्ट लिख सकते हैं क्योंकि सिनेमा में लैंग्वेज का एक ही मतलब वो इसका एक ही माइनर कॉन्ट्रीब्यूशन है बाकी देर आर अदर स्किल्स उसमें साउंड है उसमें विजुअल है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको उसके अंदर एंटेल करनी है उसके अंदर सीन डिज़ाइन है उसके अंदर सिनेमैटिक बीट्स है और सबसे बड़ा गेम सिनेमा स्ट्रक्चर का है कैरेक्टर्स मतलब कैरेक्टर और स्ट्रक्चर बट कैरेक्टर को भी अगर आपको निखार के लाना है तो स्ट्रक्चर अगर आपको स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपको नैरेटिव की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कितनी भी बढ़िया स्टोरी ले आइए आपकी फिल्म बोलेगी नहीं Because you are at a structure, I wanted you to speak about the structure of Chhapaak. क्योंकि Chhapaak में एक अगर आप popular या फिर लोगों को पसंद आने वाला और एक सरल अगर रास्ता हम अपनाते हैं कि हाँ एक लड़की थी उसका फिर यहाँ पर ये हुआ फिर उस पर एसिड फेंका गया और फिर उसकी ये कहानी उसकी ये लड़ाई लेकिन आप लोगों ने जो एक अप्रोच लिया है उस स्क्रीन प्ले का वो इतना इंटेलेक्चुअल है एक तरफ से और इतना लीगली कॉम्प्लिकेटेड भी है क्योंकि जैसा आपने कहा और मुझे आई कैन इमेजिन योर राइटिंग रूम इन मेघनाज ऑफिस की एक आपकी टाइमलाइन थी कि बस लीगली क्या चल रहा था उस केस को लेके और उस PIL को लेके दूसरी तरफ उसकी लाइफ में क्या चल रहा था और तीसरी तरफ आपकी जो कहानी है सो इसको एक तो विषय ही कठिन है थोड़ा मतलब ऐसे होता है आई हर्ड सम पीपल हु से दैट आई डोंट वांट टू सी दिस फिल्म एंड आई सेड आई पिटी यू दैट यू डोंट वांट टू सी दिस फिल्म आप इतने डरपोक हो कि आप ये फिल्म भी नहीं देखना चाहते सो ऐसे एक तो ऐसा विषय है और दूसरा आप उसे और ये जो कोर है वो आप यहाँ से ले रहे हो आप एक यहाँ से ले रहे हो आर यू मेकिंग योर लाइफ वेरी डिफिकल्ट व्हाई डिड यू डू दैट Because we are sadists.
मैं पहला आपका जो ये लास्ट सवाल पहले जवाब देती हूँ वो वाई डिड वी डू दैट बिकॉज मैं जब भी कोई बहुत बढ़िया चीज़ खाती हूँ या बढ़िया चीज़ पहनती हूँ या बहुत ही ज़बरदस्त एक कोई एक्सपीरियंस होने वाला है या बढ़िया फिल्म लिखने को मिल रही है तो मुझे लगता है अगर ये फिर कभी नहीं हुआ तो मुझे इसको अपनी सब कुछ दे देना चाहिए लाइक इफ़ दिस इज़ दैट मोमेंट ऑफ माई लाइफ जो कभी फिर नहीं आया तो मैं आज वार्तालाप भी यही सोच के करने आई लाइक सुबह मुझे झिझक हो रही थी कि इसको कैसे रीट्वीट करें कितना ख़राब लग रहा है कितना वेन लग रहा है एंड आई वाज लाइक अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वार्तालाप हुआ तो करना चाहिए मुझे रिग्रेट नहीं करना चाहिए सो इफ़ आई हैड एंड आई हैड द सेम लॉजिक कि पता नहीं इस तरीके की पिक्चर मेरी करियर में फिर कभी आएगी या नहीं वेटिंग तक तो कुछ लोग उल्लू बन गए कि मैं अच्छी राइटिंग हूँ राइटर हूँ इसके बाद नहीं बने तो मुझे इसको सब कुछ देना है लाइक सो फॉर मी दैट एंड व्हेन यू सेड कि आपने ऐसे क्यों पकड़ा इतना कॉम्प्लिकेट क्योंकि सिंपल भी कर सकते थे तो वी वर लाइक नो वी बोथ वर लाइक ये मौका शायद फिर नहीं आएगा बिकॉज पता नहीं मतलब ये फिर से कभी वो इस मोड पे पहुँचे अपने करियर में मैं अपने मोड में पहुँचूँ यहाँ ये अपॉर्चुनिटी ऐसी अट्रैक्ट करूँ कब करूँ तो मैंने अपनी तरफ से माई एम वॉज कि आई विल गिव इट एवरीथिंग आई हैव विच मीन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू द बेस्ट पार्ट इज़ क्योंकि मैं इतनी पिक्चरें देखती हूँ मैं इंडस्ट्री से थोड़ी सी ऑलरेडी बहुत फेमिलियर थी मुझे पता है किस तरीके का काम होता है और कहाँ तक इनकी लिमिट जाती है प्रोड्यूसर्स की तो मुझे पता था कि एक अप्रोच वो भी है एंड सो वॉज मेघना बिकॉज मेरे साथ एक बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस्ड राइटर और डायरेक्टर थी तो वो भी एक सहारा था ऑब्वियसली बट माई अप्रोच वॉज कि अब अगर कर ही रहे हैं तो ऐसे क्यों नहीं तो आई दिस इज ऑल्सो वी द फैक्ट द अकेडमिक रिसर्च हेल्प अस अंडरस्टैंड कि अगर हम सिर्फ क्योंकि हमने लक्ष्मी के लाइफ राइट्स लिए हैं अगर हम इसको सिर्फ लक्ष्मी की कहानी बता के ख़त्म कर दें तो एक्चुअली हम डिससर्विस कर देंगे टू द अमाउंट ऑफ एट्रोसिटी दैट हैज हैपेंड इन दिस कंट्री वी हम जेंडर वायलेंस की बेइज्जती कर रहे हैं हमें ये मौका फिर नहीं मिलेगा फिर कब मेरा ये भी था कि फिर कब मेघना गुलजार जी जैसी डायरेक्टर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगी सो फॉर मी इट वॉज द फेमिनिस्ट इन मी विच वॉज रियली लुकिंग टू सीक जस्टिस एंड बैलेंस इन द वर्ल्ड विच वॉज लाइक अब नहीं तो कभी नहीं विच मेंट दैट वेन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग लक्ष्मी स्टोरी वी रियलाइज दैट लक्ष्मी के साथ तो जो हुआ हुआ लक्ष्मी के साथ जब हमने पढ़ना शुरू किया कि एसिड अटैक का पहला इंडियन केस कब हुआ था एसिड अटैक का लास्ट इंडियन केस हुआ था वी रियलाइज कि एक्चुअली लक्ष्मी तो काफ़ी फॉर्चुनेट निकली वो एक एक्सीडेंट था मगर वो तो काफ़ी फॉर्चुनेट निकली क्योंकि उनके पास एक इस तरीके का बेनिफैक्टर / पेट्रन था जिन्होंने उनको पैसे दिए अपने सर्जरी कराने के लिए उनका लीगल केस लड़ने के लिए तो उनकी ज़िंदगी में फिर भी उन्हें कुछ विंडिकेशन मिला कुछ ग्रेटिफिकेशन मिला उनको फाइनली प्यार मिला इन द फॉर्म ऑफ आलोक दीक्षित जो शीरोज चलाते हैं हमने बाकी लड़कियों को एक्सप्लोर किया जो उनके साथ थी वो कुछ ऐसे केसेस थे मतलब वो मतलब मैं सच में कुछ मुझे बाथरूम जाना पड़ा क्योंकि मैं मेघना को नहीं दिखाना चाहती थी कि मैं इमोशनल फील कर रही हूँ मैं नहीं दिखाना चाहती तो मेरे को कहीं कहीं कितनी मोमेंट ऐसे इतना आपको आई लिटरली हैड टू लाइक यू नो गल्प माई टीयर्स कि ओ गॉड ये क्या हुआ होगा ये एक्सपीरियंस और कुछ लोग कुछ लड़कियाँ मर गईं कुछ लड़कियों के वाइटल ऑर्गन्स पे एसिड फेंका तो उनके फेफड़े ज़िंदगी भर जले ही रहे और उनको वो कभी ज़िंदगी भर ठीक से सांस नहीं ले पाई या कुछ इस तरीके के हार्ड रेंडिंग केसेस हम सुनते थे या पढ़ते थे तो उसके उस दौरान ये लगा कि यार हम अगर ये फिल्म बता रहे हैं तो हमें एसिड अटैक के बारे में भी ये फिल्म बतानी ज़रूरी है और अगर हम एसिड अटैक के बारे में ये फिल्म बता रहे हैं तो हमें ये देखो ये कंट्री है और इस कंट्री के अंदर इतना जेंडर वायलेंस है तो हम सिर्फ वही एक ही मुद्दे पे बस कहानी बता के ख़त्म कर देंगे तो बात नहीं बनेगी तो मेरा फर्स्ट वन ऑफ द नैरेटिव आइडियाज़ दैट आई थ्रू एट हर विच बिकेम छपाक वॉज दैट आई वॉज लाइक कि क्यों ना हम वो कहानी बताएं जो कि हिंदुस्तान की कहानी है अबाउट सीकिंग रिड्रेसल ऑन जेंडर वायलेंस विच बेसिकली स्टार्टेड इन 2012 आफ्टर जस्टिस वर्मा कमिटी केम इन टू बींग
And so that is the reason why the film is bookended from 2012 in its main timeline. The film is bookended from 2012 to 2016. क्योंकि 2012 के अंदर ज्योति पांडे का रेप होके उस पर प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी आई. जस्टिस वर्मा की कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन आया कि एसिड अटैक का अपना एक क्लॉज होना चाहिए. एक PIL जो पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट में सड़ रही थी, लैंग्विश हो रही थी, कोई उसको देखता नहीं था एसिड अटैक के लॉज को बदलने की, सडनली फाउंड इटसेल्फ इन द स्पॉटलाइट एंड फाउंड मोमेंटम लीगली बिकॉज ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी. सो द मोस्ट हॉरिबल थिंग अबाउट दिस केस, और यू नो समटाइम्स चीज़ें अच्छी होने से पहले बहुत बुरी होनी होती हैं. तो आई थिंक ज्योति पांडे का रेप रियली बिकेम दैट कैटलिस्ट फॉर थिंग्स टू इम्प्रूव लार्जली फॉर अदर कॉजेज और अदर इंस्टेंसेज ऑफ जेंडर वायलेंस, विच इज़ वाई वी ओपन द फिल्म ऑन जस्टिस वर्मा कमिटी एंड देन वी ट्राई एंड कैप्चर मालती एट दैट पॉइंट. द मिनट वी फाउंड आर सेल्स डूइंग दैट वी रियलाइज दैट हाँ फ्लैशबैक तो दिखाना ही होंगे, मगर फ्लैशबैक का कौन सा हिस्सा दिखाना ज़रूरी है. ये फिर उस तरीके के टेक्निकल रीजंस थे इसके कि हमें उसकी मैक्सिमम इमोशनल, हमें उसको कितना इमोशनल बनाना है. कुछ लोगों ने मुझे बोला है शायद जब हम ओपन करेंगे तो मुझे आई एम श्योर ये कंप्लेन आएगी कि हमें ना बहुत इमोशनल फील नहीं करा हमने फिल्म के अंदर, हम एम्पथाइज नहीं कर पाए, आपने बड़ा दूर दूर रखा. मैं ये कुछ शायद इसमें कुछ कमी रह गई होगी ऑब्वियसली, तो मैं वो कहीं हद तक मानती हूँ, बट मैं ये भी कहूँगी कि इसका एक एक्चुअल इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन आल्सो कि हमें ये वो फिल्म नहीं है जो आपको इमोशनल फील कराएगी, ये वो फिल्म है जो आपको झिंझोरेगी और आपको एक कुछ एक आर्क से फेमिलर कराएगी जिसमें आपका खुद का काम है पार्टिसिपेट करके इमोशनल होना. और अगर आप इतना कुछ देख के भी इमोशनल फील नहीं कर पा रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं एज अ राइटर या एज अ ह्यूमन बीइंग ये मानना है कि आप बड़े ही आपकी कॉन्शियस इतनी डेड हो गई है कि आपको पता नहीं क्या चाहिए, किस तरीके का मसाला बर्गर चाहिए. जब आपको खून नहीं उतरेगा आपकी आंखों में तब तक आप इसको इमोशन नहीं मानेंगे. तो मेरा ये था कि हम जानबूझ के उसको थोड़ा डिस्टेंट रख रहे थे क्योंकि मेरा ये था, मेघना से मैंने ये बोला और उन्होंने इमीडिएटली माना कि मालती रोएगी नहीं फिल्म के अंदर, मालती रोएगी नहीं, मालती सिर्फ चिल्लाएगी जहाँ पे ऑब्वियसली अगर उसको फिजिकल पेन है तो वो चिल्लाएगी, वो विंस करेगी, वो उसके जो रिएक्शंस होने चाहिए जहाँ बीट्स हैं सिनेमैटिक बीट्स वो रखेंगे, मगर ये लड़की रोएगी नहीं या गिड़गिड़ाएगी नहीं. शी इज नॉट गोइंग टू बी, आई लाइक द फैक्ट दैट शी डजंट इवन पिक अप द कॉल्स मोस्टली व्हेन शी हैज एंड सो द बेस्ट पार्ट वाज दैट वी हैड लक्ष्मी आल्सो हु वी वर डीलिंग विद एंड लक्ष्मी हैड दिस यू नो व्हेन वी मेट लक्ष्मी ने हमें गाना गा के सुनाया एंड शी सैंग लाइक यू नो सो ब्यूटिफुली. एंड मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ खराब हुआ है बट मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हैं, हम लोग बड़े अपने दुख में ये ऐसे वीन मतलब वो हैं और व्हाटएवर. वो लड़की ने हमें जब गाना गा के सुनाया तो उसने इतना दिल से गाया, इतनी जॉय से गाया और कहाँ से पेट से निकाल के गाया कि उसकी आँखों में ऐसा प्यार उमड़ आया. एंड आई वॉज लाइक इतनी शर्मिंदगी आई मुझे अपने आप पे, आई वाज लाइक मेरी क्या प्रॉब्लम है. मतलब उस वो तो इतने वो अपनी अपने अंदर एक रोमांस के पूल को एक्सेस कर सकती है इवन आफ्टर व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू. देन आई मस्ट से कि मेरा थ्रेशोल्ड ऑफ पेन बड़ा ही लेस होगा क्योंकि मेरे सामने इतनी स्ट्रांग लड़की खड़ी है और उसको पता ही नहीं कि वो कितनी स्ट्रांग है, वो तो बस है. तो ये क्या होता है, ऐसे कैसे होता है. सो देन वी रियलाइज कि यार ये इस हमें अगर इतनी सारी बातें बतानी है तो बात बात पे हम रो नहीं सकते. रोगे आप एज एन एसिमिलेशन ऑफ द इंटायर आर्क. आप हिंदुस्तान के लिए रो, आप हिंदुस्तानी आदमियों के लिए रो, आप लार्जर उस पर रो. यस इट वॉज एन इट विल बी काइंड ऑफ लाइक एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज बट द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू गेट देयर. सो दैट वॉज द लार्जर आइडिया कि हम इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम अ लीनियर नैरेटिव जहाँ पे हम पहले लक्ष्मी को दिखाते या मालती को दिखाते कि कैसे वो बिफ्रेंड करा उसने एक लड़के को, फिर लड़के का रिजेक्ट फील किया और फिर उसने एसिड फेंका. हमने सोचा कि एक्चुअली हम आपको एक पहले उसकी जर्नी दिखाते हैं कि वो कितनी बड़ी विनर है और फिर एक्चुअली में हमने चूज़ किया कि क्लाइमैक्स ये होना चाहिए कि फिर हम आपको दिखाएंगे उसका अनस्कार्ड फेस कि ये उसकी लाइफ की पॉसिबिलिटी थी
जो उससे छिन गई, जो जब आप वो देखते हो तो आपको इतनी आदत पड़ चुकी होती है फिल्म के अंदर मालती को उसके उस करंट रूप में देखने की कि आपको याद ही नहीं है. एंड देन इट बिकम्स सच अ जारिंग एक्सपीरियंस बिकॉज यू आर लाइक ओ माई गॉड दिस वॉज हर लाइफ एंड शी कुड हैव बीन दिस गर्ल विच शी इज़ नॉट नाउ. सो फॉर अस द इमोशनल क्लाइमैक्स केम फ्रॉम दैट मोमेंट, द पॉसिबिलिटी ऑफ वट शी कुड बी विच शी विल नेवर बी. एंड And that's so that's it, that acceptance, that we come out of it with a sense of acceptance that so what, she was still the winner. And so that was the structural decisions that were taken for Chhapaak. But now 10 years of working in Mumbai as a script writer, what is your learning curve? Are there any tips that you have earned through these years and you feel like, okay, now because of this I have kind of learned and these are my tips to you, or I think largely I'll say that the struggle will never be over, and the struggle is not so much, it's not so much the industry struggle, it's also about the struggle on paper, because हर बार आप एक नई स्क्रीन प्ले शुरू करेंगे और हर बार आप वैसा ही फील करेंगे जैसा आपने तब शुरू किया, तब फील किया था जब आप पहला स्क्रीन प्ले लिख रहे थे. तो आपकी एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स विद टाइम थोड़ी मैच्योर होती जाती हैं, बट आप इस पर आप अपने स्किल्स या अपने टैलेंट को या किसी भी चीज़ को यू कॉन्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो बेसिकली मैं अगर मेरे को ऐसा लगता है कि पैर ज़मीन पर रखना बहुत ज़रूरी है, especially as writers, as screenwriters, because क्योंकि हमारे ऊपर इतना एक मतलब आई थिंक बाकी सबका काम फिर भी थोड़ा हवा में हो सकता है, मगर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जब वो पैरों को ज़मीन पर रख के नहीं लिखी जाती तो वो दिखती है पेपर पर. तो मेरा सबसे बड़ा काम मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को ग्राउंड करना, एक राइटर को अपने आप को रूट करना और ग्राउंड करना उसकी एक बहुत ही आत्मिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वरना वो नहीं आ पाती. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी सोच है. अगर मैं कहूँ कि ये थोड़ा मुझे मतलब एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स अबाउट हाउ डू यू ग्राउंड योरसेल्फ, हाउ डू यू दैट द फैक्ट दैट यू आई मीन मैंने छपाक लिखी है बट उसी पिछले 6 महीने से हम एक स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे थे, एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत ही इंटेलिजेंट एक्टर और डायरेक्टर उससे अटैच्ड है, और हमने उसी हफ्ते जिस हफ्ते छपाक रिलीज हुई हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट बॉम्ब हो गया. तो अब हमें 6 महीने का काम दोबारा से करना पड़ेगा, हमें ड्राफ्ट 2 में जा रहे हैं. तो इट्स लाइक इट्स नेवर गोइंग टू बी ओवर. लाइक हाँ ठीक है, आज शायद आज की डेट में मुझे नहीं पता आज से 2 साल बाद क्या होगा, क्या पता मेरी अगली पिक्चर इतनी प्रसिद्ध ना हो या इतना लोग उसको पसंद ना करें, तो मुझे उस तरीके का मुझे काम नहीं मिलेगा, काम के फिर से लाले पड़ जाएंगे और फिर से मतलब बेसिकली ये इस तरीके का एक ऐसा गेम है जहाँ पे मैं अपने आउटर सक्सेस पे डिपेंड नहीं कर सकती. मुझे एक्चुअली मैं एक ही चीज़ पे डिपेंड करना है, अपनी एबिलिटी पे कि मैं क्या ये करना चाहती हूँ, क्या मेरा पैशन अप टू द मार्क है और मैं क्या ये मेरे स्किल्स और एबिलिटी इन प्लेस है. आई थिंक दैट फोकस ऑन योर इनर बींग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर आउटर बींग, दो ऑब्वियसली यू नीड अ बैलेंस, बट वो जो आउटर सक्सेस है वो एक माया है और हम एज राइटर्स कितनी बारी वो गलती करते हैं, मैंने भी वो गलती करी है और करती हूँ, क्योंकि जब हम ये सपना देखते हैं कि अरे मैं ये अवार्ड लेने जाऊँगी और मैं ये कपड़े पहनूंगी, तो समवेयर यू ऑब्वियसली मोटिवेट योरसेल्फ ऑन अ डार्क डे, बट दैट्स नॉट व्हाई यू आर अ राइटर. आई मीन इफ एवरीथिंग वर टू बी टेकन अवे फ्रॉम मी, अगर मुझे ये बताया जाए आज की तुम्हारी फिल्म कभी छपाक नहीं बनेगी, तुम्हारी इसके बाद कभी कुछ नहीं हो पाएगा तुम्हारी लाइफ के अंदर, तुम शायद ही कुछ तो क्या मैं लिखना छोड़ दूंगी, ये सवाल तो नहीं, मैं स्क्रीन राइटिंग करती रहूंगी क्योंकि अभी मुझे इसमें मजा आता है. आर यू अ पिचिंग क्वीन, आर यू अ क्वीन एट पिचेस, हाउ डू टेक पिचेस? एक्चुअली आई एम नॉट अ पिचिंग क्वीन, आई एम बट मेरे को नहीं पता कि इसका क्या सही जवाब होगा. मुझे बस ये पता है कि अगर मैं जेन्युइनली किसी चीज़ के लिए बहुत पैशनेटली फील कर रही हूँ तो मैं उस सिचुएशन को बेच सकती हूँ. मतलब अगर मेरे को पता है कि मैं अंदर से कन्विंस्ड हूँ कि मेरे को ये करना है, तो फिर मैं उसमें कुछ कोई भी तिगड़म लगा के एक इंट्यूशन गाइड बैक्ड डिसीजन ले सकती हूँ इन दैट मोमेंट टू प्रिवेल इन अ डिस्कशन, या अगर वो पिच भी है तो अपना आइडिया भी बेच सकती हूँ. मगर अगर मैं वीक फील कर रही हूँ,
अगर मुझे दो तरीके के सर्कमस्टांसेस होते हैं वीक फील करने के, या तो आपने अपना काम ठीक से नहीं किया है तो आप उस वजह से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, या आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आप ऐसे कुछ ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो आपको प्रेशराइज्ड फील करवा रहे हैं, या आपको क्रिपल फील करवा रहे हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रहे, आपकी आवाज़ को दबा रहे हैं, तो उस मौके में भी आप अच्छी पिच नहीं दे पाते. तो ये दो अगर सर्कमस्टांसेस नहीं है, उसके अलावा मैं इसलिए मगर अगर मुझे पता है कि मेरे को जो करना है वो इतना स्ट्रांग है, इतना प्रिसाइज है, और ये अंदर से मेरी एक आवाज़ आ रही है, तो हाँ उन मोमेंट्स में मैं पिचिंग क्वीन हो जाती हूँ. बट फिर वो कभी कभी होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि आई कैन डिपेंड ऑन माई अबिलिटी कैन से कि मैं तो ये ऐसे कर दूंगी. नॉट एवरी डे इज़ गुड, दैट्स व्हाट आई सेड कि अगर डू यू रियर्स द पिचेस एट होम इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और लाइक आई विल से दिस और बिकॉज पिचेस तो पता नहीं, बट लेटली जब भी हमने डायलॉग ड्राफ्ट वगैरह लिखे हैं, पूरी स्क्रीन प्लेज लिखे हैं, तो हाँ जिस दिन रीडिंग है और जैसे किसी एक्टर को नरेट करना है या, तो उससे पहले हम पढ़ के जाते हैं, तो उतना किया है होमवर्क कि मतलब बैठ के पूरा एक एक लाइन पढ़ा है अपनी तरफ से, जितना फ्लैट इमोशन में डिलीवर करना चाहिए उतना एक बार पढ़ा है पहले से कि मेरी जब मैं बोलूँ तो एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, मुझे अपना ही डायलॉग याद होना चाहिए, तो उतना होमवर्क किया है. उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पर फिर थोड़ा जाके देख लेते हैं, वी जस्ट विंग इट अ बिट, हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है. मर्द डायरेक्टर के साथ आप काम करेंगे, व्हाट इज अ फेमिनिस्ट इन यू, व्हाट इज इट, आई मीन प्लीज स्पीक अबाउट यू एंड फेमिनिज्म. हाँ तो ये एक मैंने ज्यादातर फीमेल डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट वो तो मगर मैंने कन्नू के साथ काम किया है, जो कि मुझे नहीं लगता उनसे मेल डायरेक्टर कोई है इंडस्ट्री के अंदर. कन्नू बहल जिन्होंने तितली बनाई है, उनकी अगली फिल्म आगरा मैंने को राइट करी है. तो एक्चुअली हमने आगरा काफ़ी पहले लिख ली थी, 2016 में लिख ली थी, पूरा साल लगा था लिखने में. बहुत ही मेरी इस करियर का सबसे चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है वो, और वो लिखी हमने और काफ़ी टाइम वो कोल्ड स्टोरेज में पड़ी रही, क्योंकि वो उस तरीके बहुत ही आर्ट, वो बहुत ही सॉलिड आर्ट फिल्म है, तो और बहुत ही अच्छी और बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिल्म है, और वो सिर्फ कन्नू ही बना सकते हैं. तो हमें वेट करना पड़ा कि जब तक उनको पैसे नहीं मिले उसको बनाने के लिए, और फाइनली वो शूट हो गई है और शायद इस साल से फिल्म फेस्टिवल्स पे जाए. तो मैंने एक फिल्म मेल डायरेक्टर के साथ करी है, और बेस्ट पार्ट अबाउट दैट फिल्म इज़ ऑल्सो कि हम जब वो फिल्म लिख रहे थे तो उसका भी यही मुद्दा ही यही था, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, पर्वर्जन, मेल पर्वर्जन, उसके क्या रीजंस हैं. तो द बेस्ट पार्ट अबाउट डीलिंग विद मैस्कुलिनिटी एज अ सब्जेक्ट इज़ that you end up talking a lot about feminism and gender, because उसकी जो जननी है वो तो वहीं से है. अगर उसमें imbalance है toxic masculinity, मतलब आप feminism की बात ही कर रहे हैं या आप gender balance की ही बात कर रहे हैं, तो at some level by default you are exploring gender balance only, you are exploring gender at some level. So वो कहीं ना कहीं जो एटलीस्ट मैंने कनू के साथ काम किया है वो काफ़ी हद तक उस चीज़ के बारे में है. उसके बाद अब मैं पहली बार ही एक वॉर फिल्म लिख रही हूँ, हम काउंट कर रहे थे उस दिन, विच वॉज़ द फनी थिंग दैट आई एक्चुअली वॉज रजिस्टर्ड एंड आई टोल्ड माई को राइटर्स कि मेरे को राइटर मेल है, मेरा डायरेक्टर मेल है, और तो दो आदमियों के साथ काम कर रही हूँ मैं, और मेरे दोनों प्रोड्यूसर्स भी मेल हैं, और उसके बाद उसमें सिर्फ उस फिल्म के अंदर सिर्फ एक लड़की कैरेक्टर है, बाकी सब मेल कैरेक्टर्स हैं. एंड इतना बड़ा मेल कैनवस से डील करना, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम आई थिंक आई एम डीलिंग विद सच अ टोटली मेल कैनवस, बट यू विल, दिस इज द फनीएस्ट एंड द मोस्ट आयरोनिकल एंड द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इट, दैट आई हैव बीन ब्रॉट इन टू दैट फिल्म बाय दोज मेन, बिकॉज दे हैव बीन राइटिंग दैट फिल्म फॉर अ वाइल एंड दे वर लाइक इसमें सब कुछ है, सिर्फ इमोशनल आर्क नहीं है, और वो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता. तो आई फेल्ट दैट वॉज माई ग्रेटेस्ट विक्ट्री एंड कॉम्प्लीमेंट. And जब से मैं आई हूँ तो now they have begun to see the character and there's an arc, and it's not because just because of skills, but it's actually about this is it is really about, because once I came into the onto the project I said मुझे अपनी voice भी तो ढूंढनी है इस film के अंदर, and I said कि what if we were to make this film also about how masculinity itself is a burden on men, and these guys were like voila we have found it. And so that's the beauty of this project, that actually we're talking about masculinity
and only a feminist could have told that tale. So I am really enjoying writing this, film for men. So more power to such men who actually understand and who bring the correct female writers on board. So as a writer, how you felt there was a political controversy about the movie, and there was some allegation about changing the name of the boy also. So how you felt about that? I felt that the people who were doing it were doing a great service to the film, because they were making the film popular for and it was giving us a lot of publicity. Because actually jo wo bol rahe the wo bilkul hi uska koi pair haath kuch tha hi nahi film ke jo real case ka ke andar jis tarike ki jo religious identity thi culprit ki jo ki wo ek muslim ladka tha Naeem Khan karke usko hi represent kiya tha as Bashir Khan in the film. सिर्फ फिल्म को नीचे दिखाने के लिए या फिल्म पे ज़बरदस्ती का मडस्लिंगिंग करने के लिए उन किसी ने इस तरीके की एक बात कह दी थी जो कि वो बात को बढ़ाते रहे. फिर उन्होंने इस बात काफ़ी कॉमिकल था वो जो साइड में हो रहा था, बिकॉज पहले भक्तों ने बोला कि सॉरी अगर मैं किसी की पोलिटिकल मगर पहले सो पहले भक्तों ने बोला कि इस पिक्चर को देखो ये अपनी सेक्युलरिस्ट पिक्चर है, ये इतनी सेक्युलर है कि इन्होंने देखो असल में मुसलमान क्रिमिनल को हिंदू बना दिया सेक्युलर दिखने के लिए, बिकॉज दे से सेक्युलर इंस्टेड ऑफ सेक्युलर. और देखो इन्होंने क्योंकि उन्होंने जब ट्रेलर देखा तो उसमें एक कैरेक्टर उन्होंने देखा राजेश करके. ऑब्वियसली ट्रेलर के अंदर हमने अटैकर को नहीं दिखाया था क्योंकि देर हैड टू बी सम पार्ट ऑफ द फिल्म विच हैड टू बी केप्ट फॉर द फिल्म. हर चीज़ ट्रेलर में नहीं दिखा सकते थे, तो इन लोगों ने अपना एक बनाया मुआयना किया ट्रेलर का और बोला देखो अटैकर तो हिंदू है मगर रियल केस में मुसलमान है. और लोगों ने बोला कि तो कुछ सवाल आए और सब ने टीम ने डिसीजन लिया कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, बिकॉज ये किस तरीके के सवाल हैं. आप इस समय इस पिक्चर से नफरत कर रहे हैं और उसकी वजह से आप पिक्चर को गिराना चाह रहे हैं, तो आप ये सब बोल रहे हैं, तो हमको पता था हमारा सही हैं, तो हमें कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं थी. तो इस दौरान एक पिक्चर के कुछ एक दिन पहले फिर इस केस को और आग मिली, तो किसी ने तो हम कुछ लोगों से पूछा और पता चल गया कि नहीं एक्चुअली में पिक्चर अटैकर के अंदर मुसलमान ही है. तो उन्होंने भक्तों ने नई एक पूरी कहानी लिखी और एक स्टोरी रिलीज़ करी कि कैसे छपाक के मेकर्स ने रातों रात डबिंग करके अटैकर का नाम राजेश से बब्बू बशीर खान रख दिया. सो एंड द फनी थिंग वाज इट विद इन द टीम हमने साउंड डिजाइनर को पूछते रहे कि अबे तूने कब किया ये, किसके साथ था रात को तू. एंड वी वर लाइक देन इट हैड टू बी एक्सप्लेन्ड इन एन आर्टिकल बाय अ जर्नलिस्ट कि एक्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल कि रातों रात छपाक के फिल्म मेकर्स ने वापस जाके वो सीन ऐसे शूट किए हैं जहाँ पे अटैकर की फैमिली बुरखे में है और उसकी पूरी जो उसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक मुसलमान आइडेंटिटी को हिंट करती हैं. तो ये हमें बोलना समझाना पड़ा किसी एक और जर्नलिस्ट को ये आर्टिकल लिख के कि मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. बट आपने फिल्म को बहुत ज़्यादा अटेंशन और इम्पोर्टेंस दे दी. उसके बाद वो हमें ट्विटर पे जब भी आई रिमेंबर मैं ट्वीट करती थी तो मेरे ट्वीट पे तो हर किसी के हम पूरी टीम के ट्विटर पे वो ट्रोल करते थे और इस तरीके के कॉमेंट्स लिखते थे कि देखो हमने तो तुम्हारी पिक्चर के लिए टिकट बुक करी थी मगर हम अब इन्होंने हमें इनको कैंसिल कर दी है. बट वो फाइनली एक ही थिएटर की इन जयपुर सेम सीट्स H3 H11 एंड H whatever वही बार बार हम सबके पे डाल रहे थे. तो वी दे वर लाइक फाइनली व्हेन द फिल्म स्टार्टेड मेकिंग ओके मनी एवरीबडी वाज लाइक ऑब्वियसली अगर वो एक ही कैंसिल्ड सीट को बार बार कैंसिल करते रहेंगे तो द फिल्म इज नॉट रियली गोइंग टू लूज एनी मनी. सो द एग वॉज ऑन देयर फेस. सो हाँ वो साइड में एक कॉमिक शो चलता रहा. आपने जो भी जर्नी बताई है ये सारी कहानियाँ आपने किसी और की विजन पर लिखा है और उसको एलाबरेट किया है एंड डेवलप किया है एंड बट यू डिड हैव योर फर्स्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू वेंट टू YRF विद योर स्क्रिप्ट. तो आप बता सकती हैं अभी तक आपने खुद की कोई एक फिल्म अपनी कोई भी कहानी लिखी है और उसकी जर्नी कुछ आगे बढ़ी है कि नहीं, और अगर नहीं बढ़ती है तो इतना
difficult kyun hota hai? And Manisha, if you also have done any original subject of yours which has been accepted, and if not, what is it that why is it that studios don't easily accept a subject? And even after so many years of experience, why? सो बेसिकली क्योंकि मैं अपने बारे में तो बहुत क्विकली ये बोल सकती हूँ क्योंकि मेरी स्टोरीज हमेशा से इतनी रेडिकल थी और इतनी फेमिनिस्ट थी इन नेचर. मुझे लगता है मेरा टाइम अब आया है. मुझे तो अपने तरीके की पिक्चर, मतलब जब मैं 10 साल पहले 12 साल पहले बॉम्बे में अपनी कहानियाँ लेके जाती थी विच वर ऑलवेज लेड बाय विद देयर ऑल फीमेल नैरेटिव्स, तो उसको कोई बनाना नहीं चाहता था. तो इसीलिए ऑब्वियसली दूसरों के साथ काम करना, दूसरे थोड़े मुझसे ज़्यादा पावरफुल औरतों के साथ काम करना आसान बन गया क्योंकि एटलीस्ट उसके अंदर मेरी आवाज़ और मेरी आइडियोलॉजी तो इनेबल हो रही थी. सो दैट बिकेम वन रूट क्योंकि और उन कहानियों के बेसिस पे ही मेरे को उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला. सो आई वुडेंट से कि वो मेरी जो अपनी स्क्रिप्ट्स थी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. उन स्क्रिप्ट्स के बेसिस पे मुझे ये काम मिला जो मुझे मिला और फिर एक काम मिलने लगा और एक इस तरीके से एक वॉइस कहीं ना कहीं बैठने लगी. और अभी इस फिलहाल इस टाइम पे मुझे काफ़ी लोगों, अच्छी बात है कि एक मोमेंटम जनरेट हुआ है जहाँ पे फीमेल लेड नैरेटिव्स का फाइनली टाइम आ गया है जो ये आर्ट्स इस साल से पहले कभी नहीं था. इस साल कम से कम 3 से 4, मतलब पहले छपाक रिलीज़ हुई, फिर पंगा रिलीज़ हुई, अब थप्पड़ रिलीज़ हो रही है, अब आगे शकुंतला रिलीज़ होगी. सो इस तरीके का ये जो साल हम देख रहे हैं ये 8 से पहले कभी नहीं आया है. यहाँ तक पहुँचने के लिए I think I'm going to be basically hitting the ground running because I have now a ready screenplay which I have a ready treatment and they are largely female led. So I think now is the time for me to find that voice. So जहाँ एक ये ज़रूर, ये मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि एक commissioned assignment का एक loop होता है. तो अब मैं वो वाली writer में आ गई हूँ जो मैं commissioned assignment के loop में फंसी हुई हूँ. मतलब मैं अगले जून जुलाई तक मेरे पास टाइम नहीं है टू टेक ऑन, ये कमिटमेंट्स हैं मेरी और मुझे वो डिलीवर करना है. तो जब ये ख़त्म हो जाएंगी तो मेरा पहला काम रही ही होगा कि अब मुझे अपनी पिक्चर बनानी है. आज से दूसरा रीज़न उसका ये भी है कि आज से पहले ये पहला साल है मेरी ज़िंदगी का जब मुझे थोड़े डिसेंट पैसे मिलते हैं. मुझे कभी भी किसी भी काम के अच्छे पैसे नहीं मिले क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा काम जिसमें पैसे अच्छे मिले मगर काम बहुत घटिया होगा वो छोड़ के हमेशा अच्छा काम जिसमें कम पैसे मिलेंगे वो काम चूज़ किया मैंने. तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया विद मनी, यू नो, स्पेशली बिकॉज आई चोज माय आइडियोलॉजी एंड माय सेंसिबिलिटी ओवर मनी. सो इट्स नॉट लाइक आई नेवर गॉट, आई दे वर लार्जली अनपेड प्रोजेक्ट्स बट दे वर, आई गॉट पेड रियली पोअरली बिकॉज दीज वर प्रोजेक्ट्स जो इंडी फिल्म्स थी और इनके ऊपर पिक्चर के बजट ही इतने कम थे कि राइटर को बहुत ही कम पैसे मिलते थे. तो इस ये भी एक रीज़न है कि पैसे की इतनी कमी थी कि अपना स्क्रिप्ट निकालना, अपना वो करना, ये दीज वर द रीज़न, सर्कमस्टेंशियल रीजन्स ऑल्सो कि वो इनेबलिंग नहीं हो पाई. इट्स द फर्स्ट ईयर आई थिंक आई एम गोइंग टू मेक सम बैंक बैलेंस, देन आई एम गोइंग टू टेक 6 months ऑफ एंड आई एम गोइंग टू बी देन ओनली ब्रिंगिंग माई ओन स्क्रीन प्लेस. बट दैट डज नॉट मीन दैट आई एम ओनली गोइंग टू वर्क ऑन माई ओन. दैट मीन्स दैट आई कोलैबोरेट विद द राइट लाइक माइंडेड एलाइज फॉर एवर. इट्स जस्ट दैट yes I will take that 6 months off the market after I have enough money to take that kind of decision. I did not have that privilege and that power earlier. So my journey began with Malamal Weekly and my schooling was done under this really talented writer called Neeraj Vora. He's no more with us, God bless his soul. So extremely commercial setup, extremely commercial training, and when I got my first break of Malamal Weekly because Neeraj was too busy to write, that already put me into a commercial loop. So people had seen me working on, so these are the films like Awara Pagal Deewana, Kuch Na Kaho, Ye Tera Ghar Ye Mera Ghar, Hangama, and there are a couple of more films which I have worked as assistant writer where I was paid but I was not given any credit. So right from Malamal Weekly, and Malamal Weekly was a decent success, I was nominated also for screen best dialogue writing, so that already put me into the loop of commercial projects. And once you actually get in one film after the other, matlab meri
वही हो गया मतलब ये एंड आई थिंक 12 फिल्में हो गई लेकिन मुझे वो गैप और वो आई थिंक वी नीड दैट काइंड ऑफ अ टाइम अवे वेयर यू थिंक कि ओके आई एम गोइंग अवे नाउ एंड आई विल बी वर्किंग ऑन माय ओन स्पेक स्क्रिप्ट्स वट एवर. अनदर थिंग इज यस मैंने मेरे स्क्रीन प्लेज डेवलप किए हैं लेकिन मेरे बेचे नहीं गए हैं. सो जैसा कि ये कहती हैं कि हाँ मेरी 10 सालों में 4 फिल्में लेकिन हर एक फिल्म के पीछे कितने सारे फेलियर्स हैं, तो मेरी भी जो 12-15 फिल्में हैं उनके पीछे एक 5-6 तो ऐसे स्क्रीन प्लेज हैं जिनको किसी ने ख़रीदा ही नहीं है. सो लेट्स होप आई हैव समथिंग रेडी नाउ एंड आई होपफुली दिस ईयर should get me into that space more power to that. I'll also say that इस तरीके की जो opportunities जो writers के लिए खुली हैं इतने सारे OTTs इतने सारी opportunities ये पहला साल है this we have not even reached a year. तो आज से पहले अब कुछ लोग कह रहे हैं कि औरतों का टाइम आ गया है. एक्चुअली औरतों का टाइम नहीं आया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ गई हैं और उनको फिल इन करने के लिए अब औरतों को भी मौका मिल रहा है क्योंकि वो औरतें इतने टाइम से खड़ी हुई थी कि नाउ दे आर लाइक अभी किसी को तो काम देना ही है, बिजनेस तो जनरेट करना ही है, प्रोडक्शन में कुछ तो डालना ही है, तो औरतों के पास बाउंड स्क्रिप्ट है इनको दे दो काम. सो उस बहाने कुछ फेमिनिस्ट फिल्में बाहर निकल के आ रही हैं बट इट्स नॉट लाइक एक्चुअली द वर्ल्ड हैज चेंज्ड. तो दैट्स वन व्हाट आई वांट टू से इज कि ये पहला अभी अब से आप देखेंगे कि कुछ असली आवाज़ें असली काम निकल के आएगा क्योंकि आई थिंक कुछ ये हम लोगों का 15 साल का मोमेंटम है जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं और इसके बाद अब जो 5 साल हम कुछ जो भी कंट्रीब्यूशन या जो भी कॉन्क्रीट काम करेंगे उसके बेसिस पे अगले 10 साल बनेंगे. मेरे को बस एक बात बोलनी है थोड़ी खटकी मुझे जब आपने बोला कि आपको मन नहीं करता कि आपकी वॉइस निकले आपकी आवाज़ आए, मेरे को बस ये कहना है कि मेरी एक आवाज़ है जो मेरे काम में दिखती है, मुझे पता है और वो दिखती है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ उसके बारे में. तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इसलिए मुझे एक काम मिलता है एक तरीके का सर्टन काम का क्योंकि एक देर आर टू क्राफ्ट्स एट वर्क, वन इज़ स्टोरी राइटिंग वन इज़ अ स्किल कॉल्ड स्क्रीन राइटिंग. सो दीज आर डिफरेंट एज अ स्क्रिप्ट राइटर एज अ स्क्रीन प्ले राइटर एन इंडस्ट्री राइटर इट इज़ माई जॉब टू गिव फॉर्म टू समवन एल्सेस स्टोरी. ये अपने आप में अगर मैं यही एक्सेल कर लूँ बिना अभी ज़िंदगी में अपना कोई पूरा स्क्रिप्ट लिखे हुए भी जो मेरी अपनी कहानी पे बना हो तो भी आई थिंक मैं बहुत अचीव कर लूँगी ऑनेस्टली क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बेस्ट स्क्रीन राइटर ऑलरेडी हो गई हूँ. मुझे लगता है मुझे बहुत जाना क्योंकि स्क्रीन राइटिंग अपने आप में एक इतना कॉम्प्लेक्स स्किल है कि उसको किसी भी कहानी पर लगा के उसमें से अच्छा सिनेमा निकालना ये एक क्राफ्ट अपने आप में है. तो हम ऑफकोर्स हमारी एस्पिरेशन होनी चाहिए कि हम एक पूरे ऑथर बने, हम अपनी ही पिक्चर लिखें उसको डायरेक्ट करें उसको लेके जाएं, मगर मैं उसके अलावा ये कहूँगी कि स्क्रीन राइटिंग अपने आप में एक स्किल है. लाइक जो सवाल ये आपने पूछा ये स्क्रीन राइटर्स को बार बार पूछा जाता है, ये सवाल लिरिक्स राइटर को क्यों नहीं पूछा जाता वो भी तो दूसरों की फिल्मों पर काम करते हैं, ये सवाल म्यूजिशियंस को क्यों नहीं पूछा जाता वो भी तो दूसरों की पिक्चरों में म्यूज़िक देते हैं, तो उनको उनकी आवाज़ कैसे नहीं. ए आर रहमान बहुत सारी पिक्चरों में म्यूज़िक दिया है उन्होंने, क्या ए आर रहमान की म्यूज़िक के अंदर उनकी आइडेंटिटी नहीं दिखती? हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू टू सेव योरसेल्फ एज अ सिटीजन एंड ह्यूमन व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू दिस टॉपिक, समटाइम इट टेक यू टू लो डार्क जोन डिप्रेशन, सो हाउ टू बैलेंस स्पेशली अटेम्प्टिंग टॉपिक लाइक दिस? This is a really good question. It obviously is, I think, इस तरीके का emotional काम करना एक आप पे toll ले लेता है और from time to time आप I think what keeps you going is a sense of, I think at least in my case मैं ये कह सकती हूँ कि as a human being वो जहाँ difficult होता है, आपने दो सवाल पूछे as a human and as a citizen, and I think आपके question में ही answer था, जहाँ as a human I start feeling weak, I remind myself of my duties as a citizen, and the minute I remind myself of my duties as a citizen and how that there is a responsibility in front of me jo mujhe deliver karni hai jiski wajah se shayad ye film jaye kuch log dekhein kuch log motivate hon aur shayad yahi tarika hai is situation ko heal karne ka for a lot of human beings, I think that keeps me going. But on a day to day basis yes it does get really really dark. I think writing itself is something that solitude that comes with writing,
इज समथिंग दैट टोटली यू नो आपको बहुत परेशान करता है. ये जेंटलमैन जो बोल रहे थे, जो अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे इनके साथ बहुत एम्पैथी है, बिकॉज ये एक उस तरीके के फेज में अपने करियर में राइट नाउ जहाँ ये सच में ये फ्रस्ट्रेशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, क्योंकि उनको हर जगह सक्सेस डिसअपॉइंटमेंट, उनको यही ऑन अ डे टू डे बेसिस अपने बारे में महसूस किया जाता है. तो हमारा जो ये इस तरीके का प्रोफेशन है, ये पार्ट एंड पार्सल है. इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होती है, और इसकी केयर करना हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम ऑब्वियसली हर बार इतने महंगे थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, थेरेपी की एक्सेस करना हमारे पास नहीं है, मगर कोई किसी से बात करना और कुछ और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना या कुछ भी, कोई भी वो डिसीजन है जो योगा करना, मेडिटेट करना, वॉक पे जाना, वो कोई भी आपका कोई भी पर्सनल हैक है, बिल्ली पालना, आपका टीवी देखना, नेटफ्लिक्स देखना, वो जो भी है, यू हैव टू हैव वन. आई फील कि वो आपका अपना प्राइवेट मैटर है कि आप कैसे वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो क्या करते हैं आप, जिसकी वजह से आप थोड़ा अपने आप को कुछ रिलीज दे सकें. बट दिस प्रोफेशन विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस. पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कबीर सिंह. मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, क्योंकि मैं एक फेमिनिस्ट राइटर हूँ, तो उनको मुझसे काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कबीर सिंह जैसी पिक्चरें बननी चाहिए, इस तरीके की बातें. तो मेरा मुझे जवाब रटा हुआ है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार दे दिया है ऑलरेडी, कि कबीर सिंह जैसी मेरे को नहीं लगता कि मैं उस तरीके की सोच रखती हूँ, उस तरीके की इंसान हूँ, क्योंकि मैं बहुत डेमोक्रेटिक हूँ. तो मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि कोई भी पिक्चर नहीं बननी चाहिए. आई थिंक सब तरीके की पिक्चरें बननी चाहिए, दैट्स वन. सो कबीर सिंह जैसी पिक्चर बननी चाहिए, हाँ, अगर वो बन सकती है और वो बनाई है उन्होंने, तो बन गई है पिक्चर. तो मेरा ये सोचना कि वो क्या वो बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए इज़ इररेलेवेंट. बननी चाहिए क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, और हर तरीके के एक्सप्रेशन को उसका फॉर्म मिलना चाहिए. क्या ये पिक्चर सोसाइटी के लिए डेंजरस है? हाँ, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसका पहला लॉजिक ये है कि क्या कबीर सिंह जैसा टॉक्सिक मेल कैरेक्टर होना चाहिए सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन में? तो मैं कुछ लोगों ने बोला कि ये होना ही नहीं चाहिए, तो इससे मुझे दिक्कत है, क्योंकि अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो उसका सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होना चाहिए? उसका सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल होना चाहिए, जो कि उस दैट पार्ट ऑफ द नैरेटिव इन द फिल्म. आई कैन हैव ओपिनियंस अबाउट इट, बट आई एम नॉट फॉल्टिंग इट, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग इट्स एग्जिस्टेंस. आई एम ओनली क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस और द ट्रीटमेंट दैट द डायरेक्टर ब्रिंग्स एज अ नैरेटिव टू दैट टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. तो मेरा जो मानना है कि फिल्म के साथ क्या फिल्म ये नहीं है कि कबीर सिंह एज अ टॉक्सिक मेल एज अ कैरेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, बट फिर फिल्म के नैरेटिव को उसको रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए बाय गिविंग हिम द हीरोइन विद अ चाइल्ड फ्रॉम हिज पास्ट रिलेशनशिप ओनली. तो इस तरीके से जब हमने हीरो को रिवॉर्ड कर दिया उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए, तो यहाँ पे बात बिगड़ गई, और यहाँ पे ये नैरेटिव डेंजरस हो गया. क्या इस तरीके का ये रीइन्फोर्स करता है पेट्रियार्की को? हाँ. तो ये फिल्म ये दिखाती है कि आप यू विल गेट अवे बाय डूइंग वट एवर यू लाइक, बिकॉज इवेंचुअली सोसाइटी आपको रिवॉर्ड करेगी. और आप और जो लड़की है उसका नैरेटिव को दिखाया ही नहीं है फिल्म के अंदर. जब एक लड़की मार खाती है एक इंसान से, एक आदमी से, तो उस वो शायद कुछ टाइम तक गैसलिट हो सकती है. वो शायद उस समय एक पीरियड होगा इमोशनल ग्राफ का, जहाँ पे वो कुछ समय एक रियल कॉन्फ्लिक्ट फील करेगी, जहाँ पे वो ये भी एक्सपीरियंस करेगी कि हाँ, मैं इसने मुझे अब्यूज़ किया, बट फिर भी मैं इसके लिए लव फील करती हूँ. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्राफ है, जिसको कैप्चर करना ज़रूरी था उस फिल्म के अंदर. मगर इसका जो फाइनल रिजल्ट निकला, वो हीलिंग पे, फॉरगिवनेस पे, रेस्टोरेटिव आइडियाज़ पे नहीं बेस्ड था. वो पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ फॉरएवर लव, रोमांटिक लव, विच इज़ डोमिनेटेड बाय मेल, यू नो, मेल सोसाइटी और पेट्रियार्कल सोसाइटी, वो उस तरीके से डिटरमिन्ड था, उस तरीके से गवर्न था.
तो पिक्चर और दूसरी प्रॉब्लम इस पिक्चर के साथ प्रॉब्लम नहीं बट मेरा एक ऑब्जर्वेशन है इस पिक्चर के बारे में कि जब पिक्चर की क्राफ्ट काफ़ी अच्छी है फॉर अ कमर्शियल फिल्म पिक्चर की क्राफ्ट ये मेरा ओपिनियन है मैं नहीं सोच मेरे को नहीं लग सबको ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है ये ओपिनियन प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि एक पिक्चर जो जिसकी पॉलिटिक्स डेंजरस है मगर उसकी क्राफ्ट बहुत सुपीरियर है उसको रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर चार्म्ड बाय द फिल्म एंड दे कैन नॉट एग्जामिन देयर ओन विसरल रिस्पॉन्स टू द फिल्म व्हेन दे सी अ फिल्म सो व्हेन दे आर इमोशनली रिएक्टिंग टू द फिल्म दे व्हाट दे सी इज कि चार लड़के मिल के हंस रहे हैं और गैग्स मार रहे हैं जिसपे हमें हंसी आ रही है क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस है इतने अच्छे गाने हैं इतना अच्छा म्यूजिक है इतना अच्छा रोमांस है उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं एट एन इमोशनल लेवल हम उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड इज कि वो ग्राफ हमें कहाँ ले जा रहा है और हमें क्या बेच रहा है इन दी गाइज ऑफ वेरी एंगेजिंग सिनेमा नाउ दिस इज़ वेयर एज अ व्यूअर हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहाँ तक ये बात मानेंगे कहाँ तक जाएंगे और इसको डिस्टिंग्विश करेंगे तो यहाँ पे ये बात बिगड़ गई कि और एक्चुअली पिक्चर जब देखी थी मैंने तो मैं उतनी परेशान नहीं हुई थी जितना मैंने जब डायरेक्टर का ओपिनियन पढ़ा विच बेसिकली सेड कि इट इज़ मिस्टर वांगा हैं उनका नाम तो उन्होंने बोला कि हाँ प्यार में तो ऐसा होता है तो अगर ऐसा होता है तो फिर लड़के के पर्सपेक्टिव से हमने काफ़ी कुछ क्रॉनिकल किया था कि प्यार में वो क्या क्या कर सकते थे बट लड़की के पर्सपेक्टिव से हमने बहुत कम देखा तो मेरा उनसे यही मानना था कि जब प्रीति के ऊपर फिल्म बनेगी ना प्रीति का जो भी नाम था उसका प्रीति पे जब फिल्म बनेगी तो हम बात करेंगे फिर हम दिखाएंगे कि क्या हुआ प्रॉब्लम यह है कि फिल्म सिर्फ कबीर के बारे में थी फिल्म प्रीति के बारे में नहीं थी अगर ये दोनों के बारे में होती तो मुझे आई हैव लाइक अ लॉट ऑफ पीपल से कि ये दिखाना ही नहीं चाहिए नहीं दिखाना क्यों नहीं चाहिए अगर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर तो उसको उसका एक सिनेमैटिक क्रॉनिकलिंग और सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑब्वियसली होना चाहिए और उस फिल्म के अंदर काफ़ी अच्छे से दिखाया है उस लड़के का कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी अच्छे से डिपिक्ट किया है उसका प्रॉब्लम यह है उस फिल्म के साथ कि उसका फीमेल नैरेटिव बिल्कुल ही साइलेंट है और उसका जो एंडिंग है वो बेसिकली हीरो को उसकी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लिए रिवॉर्ड करता है और फिर जब आप उसके डायरेक्टर की बात सुनते हो तो यू रियलाइज कि दिस वाज नॉट एन एक्सीडेंट दिस वाज इंटेंशनल एंड दिस इज व्हाट माय ओपिनियन लार्जली ऑन दैट फिल्म इज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम सो द बुक्स एक्चुअली हम FTI गए थे और हमारे को सबसे एक जो किताब है जो हमने बार बार पढ़ी है और जिसके बारे में जो कि जोसेफ कैम्पबेल की द हीरोज़ जर्नी तो वो किताब मैंने 3 बार पढ़ी है और उसके अलावा वॉल्गर की किताब है जो हमने एज स्टूडेंट्स पढ़ी थी उसके बाद आई थिंक एज आई बिकेम एन इंडस्ट्री पर्सन किताबें आती रहती हैं हम लोग सुनते रहते हैं सेव द कैट और इस तरीके की किताबें इंडस्ट्री में आती रहती हैं हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं बट हम बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ के उसको इंटरनलाइज नहीं करते क्योंकि आई थिंक अब मैं सिनेमा सीखने के लिए सिनेमा देखती हूँ और दूसरी चीज़ जो सिनेमा देखने के लिए एक्चुअली मैं अपनी लाइफ बहुत डीपली जीती हूँ ऑनेस्टली सो यू नो यू हैव टू मेक अ बैलेंस कि आप किताबें पढ़ के सिनेमा लिखना उतना ही नहीं सीख सकते जितना कि आप एक ड्राइवर ड्राइविंग की किताब पढ़ के सडनली ड्राइवर नहीं बन जाएंगे या आप कुकिंग की किताब लेके कुक नहीं बन जाएंगे कुकिंग करने का एक ही तरीका है कुकिंग करना ड्राइविंग सीखने का एक ही तरीका है ड्राइविंग करना स्क्रीन राइटिंग करने का एक ही तरीका है स्क्रीन राइटिंग करना जहां आप अटक गए वहां आप कुछ किताबें यूज़ कर सकते हैं बट वो टेक्निकल किताबें हमेशा याद रखिएगा कि किसी एक इंसान के पर्सपेक्टिव से लिखी गई हैं ऑन सम मेथड्स दैट मे हैव वर्क फॉर हिम दैट मे नॉट अप्लाई टू द होल यूनिवर्स ऑफ स्क्रीन राइटर्स सो यू विच इज़ वाई इट इज़ इन फैक्ट बेटर टू रीड सम फिलोसफिकल बुक्स which talk largely about the myth that exists within us. For example, Joseph Campbell की जो किताब है Hero's Journey, जो heroes आग को map करती है over 2000, 3000 years of mythology जो बताती है कि किस तरीके से हमारे अंदर ही एक आग exist करता है एक heroic journey का और अगर हम उसकी उसके बीट्स को समझें तो जब भी हम stuck होते हैं तो हमें वो अगर हम depth में जाएं तो हम उसके answers पा पाएंगे तो आई थिंक दोज आर ऑनेस्टली मोर
दे आर डेफिनेटली मोर मतलब आपको थोड़ा लेबर ज़्यादा डालना पड़ेगा इन टू दिस काइंड यू हैव टू इन्वेस्ट योर सेल्फ फिलोसफिकली मोर इन टू दीज बुक्स बट दे विल पे ऑफ फॉर अ लॉन्गर करियर यू नो सो दैट्स लार्जली व्हाट आई हैव अंडरस्टूड बट हाँ बीच बीच में काफ़ी लोग हैं जो बेसिक तो आप अगर इंटरनेट पर भी जाएंगे तो आपको पता चलेगा एक किताब है द टूल्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग बाय उसका ऑथर है डेविड मैबली आप एक बार उसको गूगल करिए टूल्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग करके किताब है उसके अंदर एक एक पेज के बेसिक यू नो इट जस्ट हैज़ वन पेज ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्क्रीन राइटिंग लाइक इट विल हैव अ वन पेज ऑन प्लांटिंग एंड पे ऑफ बट वो जिस वेटरन टीचर ने लिखे हैं वो UCLA में टीचर थे और वो इतना जब मतलब एक ही पेज में इतने प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस हैं तो मैंने वो किताब एज अ स्टूडेंट FTI में पढ़ी थी और वो ऑनेस्टली मैंने स्क्रीन राइटिंग की किताबों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है आफ्टर दैट अगर मुझे स्क्रीन राइटिंग के बारे में जितना भी मैंने सीखा है मैं थैंकफुली मैं उतनी फॉर्चुनेट रही हूँ कि मैंने स्क्रीन राइटिंग के बारे में स्क्रीन राइटर्स से बहुत सीखा है डायरेक्टर्स से बहुत सीखा है तो मैंने लिख लिख के बहुत सीखा है और मैंने एक दूसरी चीज़ से बहुत सीखा है फेलियर मैं आपको देख रही थी ग्रीन टी शर्ट में जो बैठे हैं फेलियर ने मुझे इतना सिखाया है जितना मुझे फेलियर ने मुझे सक्सेस के बारे में सब कुछ सिखाया है एक्चुअली मतलब इट्स लाइक कुछ 25 बार फेल होने के बाद एक बार आपको समझ आ जाता है कि आपकी गलती क्या है बट फेल होना बहुत ज़रूरी है सो फेलिंग ऑन पेपर ऑल्सो हैज़ टीचेस यू अ लॉट कि ये वर्क नहीं कर रहा है और तुमने गलती करी है बट वहाँ तक पहुँचने के लिए हर रोज़ आपको थोड़ा ढीठ होना पड़ता है कि उतने फेलियर के बाद भी आपको अगले दिन उठना है और ट्राई करना है और आपको ऑब्वियसली अपने क्राफ्ट को री एग्जामिन करना है कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ मेरे बीट्स क्यों नहीं ठीक बैठ रहे मेरे को फिर से सिनेमा देखना पड़ेगा मुझे फिर से जाके उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे फिर से ये बीट समझनी पड़ेगी एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स दिस इज़ व्हाट यू कैन डू राइट बीट शीट्स ऑफ फिल्म्स दैट यू सी आपको कोई आपकी पसंदीदा फिल्म को लीजिए उसके बीट्स लिखना शुरू करिए पहले सीन में कैरेक्टर मोटिवेशन क्या है वो कहाँ है फिर वो अगले सीन में कहाँ गया ढूंढिए उसके अंदर कैरेक्टर बीट्स क्या हैं प्लॉट बीट्स क्या हैं किससे एग्जामिन हुई है वो ये करिए अपनी 5 पसंदीदा फिल्म्स के लिए आपको कोई स्क्रीन राइटिंग की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है विद इन दैट यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि कैसे आपको ग्राफ बिठाना है इसने कैसे बिठाया है मैं कैसे बिठा रहा हूँ ये एक एक्सरसाइज करिए कोई भी फिल्म देखते हैं आप लोग हिंदी फिल्म भी देखते हैं ना कितनी बेकार भी हो तो भी उसके अंदर आप बीट्स तोड़िए उसकी बीट्स तोड़िए आपने अपने दिमाग को खाली मत बैठने दीजिए कि अभी मैं बस बैठ गया पीछे कबीर सिंह एंजॉय कर रहा हूँ तोड़िए उसकी बीट्स उसके साथ चलिए उसकी ग्राफ तोड़िए समझिए कि कहाँ कैरेक्टर मोटिवेशंस कहाँ जा रहे हैं कैसे प्ले आउट हो रहे हैं थर्ड एक्ट कहाँ था इस फिल्म के अंदर कितने एक्ट थे 5 थे 3 थे 4 थे कोशिश करते रहिए ये अपने आप में एक ग्रेट राइटिंग स्क्रीन राइटिंग मसल है जो आप कॉन्स्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं इतना हो जाएगा एक पॉइंट बट आई होप नॉट यू रीच दैट पॉइंट यू कैन सी स्क्रीन राइटिंग रूल्स अप्लाई टू रियल लाइफ यू कैन सी ऑल दिस यू नो एप्लीकेबल टू एक्चुअली कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल यू विल सी दैट देयर विल ऑलवेज बी अ स्ट्रक्चर इवन टू अ बेसिक चुटकुला यू नो इट विल ऑलवेज बी 1 line 2 line एंड योर 3rd line इज अ पंच एंड यू विल सी दैट स्ट्रक्चर इज एवरीवेयर वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस एंड यू स्टार्ट observing it closely you will see that structure is everywhere it will be in a basic journalistic essay it will be everywhere so once you start grasping the structure and apne profession ke tools ko samajhiye aur usme structure ko padhiye samajhiye ghar jaiye uthaiye basic novel har cheez mein structure hai kyun hame screen writing ki kitabe chahiye kyun hame mentor chahiye aap material uthaiye material aapko khud sikha dega aap koshish kariye